السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، जी पढ़िए। जी सर, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। फी तकरीरी हरूफुल मानी, मानी हरूफुल मानी की तकरीर के बारे में, हरूफ मबानी की तकरीर के बारे में। नहीं, हरूफ की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? दो। जमील भाई। जी उस्ताद जी, आप आएंगे ना? उस्ताद जी आना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। उस्ताद जी अगर ना आए तो फिर पास नहीं करेंगे? नहीं, पक्का फेल। अच्छा, पहली पोजीशन फिर आपकी, अगर ना आए आगे तो भी पहली पोजीशन। अच्छा, आएंगे? क्या इरादा है? इंशाल्लाह इरादा तो है। ठीक हो गया। और कौन भाई है? अनुष भाई आप तो नहीं आएंगे? जी मुश्किल है। इकबाल भाई, मेरा भी उस्ताद जी मुश्किल लग रहा है। आप तो मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड से भी आ गए। यकीनन। क्यों मुश्किल क्यों है आपका? हालात कुछ ऐसे हैं। क्या मतलब? मौसम और फिर ये घर के कुछ काम ऐसे पड़े हुए हैं। तो भाई काम तो सारी जिंदगी पड़े रहते हैं। तो कोशिश होगी उस्ताद जी, दुआ करें।
आ जाएं भाई आ जाएं, फिर कहाँ मौका मिलता है, पूरे साल में एक दिन भी नहीं हम आएंगे तो फिर कब आएंगे। दुआ करें उस्ताद जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दुआ तो कर रहे हैं हम, अब सब आ जाएं। बाकी तो भाई आएंगे, मुझे लगता है जवाद भाई ने भी इरादा फरमाया था, मुस्तफ़ा भाई तो आएंगे इंशाल्लाह करीब है, नासिर खान भाई भी आएंगे, डॉक्टर जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। दिन बड़ा अजीब सा है, जुमेरात है फिर सुबह जुमा, जुमे का अगर को हो गया तो आपको रातों रात पहुंचा देंगे हम। नहीं फिर वो सबक रह जाएगा ना जी जो होगा सुबह। कौन सा सुबह जो यानी सबक जैसे पिछले साल हमने पढ़ा था, तो तरतीब बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जुमा मैं पढ़ा आऊंगा। और जिंदाबाद तुसी उमे ही आ जाओ। नहीं आपकी परेशानी खत्म करनी है ना बादशाह, परेशानी खत्म करेंगे जुमा मैं पढ़ा आके फिर वापस आ जाऊंगा। नहीं परेशानी इस मामले में नहीं है उस्ताद जी, वो असल में मुफ्ती साहब के मदरसे में ना जी एक जुमेरात छुट्टी हो यानी वो जायजा लेके तो छुट्टी कर देते हैं और एक जुमेरात तलबा होते हैं, तो मैंने मुफ्ती साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी देख अगर छुट्टी ना हुई तो मैं इंशाल्लाह तालिब इल्म भेज दूंगा जुमे के लिए भी, कोई मसला नहीं है, अगर छुट्टी हुई तो फिर मुझे कोई और साथी देख ढूंढना पड़ेगा जी। नहीं तो छुट्टी अगर हुई तो सारे चले जाते, एक भी नहीं रहता। हिफज वाले होते हैं या एक दो यानी जो दूर के ज्यादा हो तो वो होते हैं, जो बाकी तो तकरीबन सारे चले जाते हैं। किसी साथी को ढूंढ लो उस दिन के लिए। आप तो आओ ना, मैं तो चलो फिर भी दादा वो आ जाएंगे, जमील भाई आ जाएंगे, मैं भी उस्ताद जी इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फारूक शाह भाई ने क्या इरादा फरमाया था मुझे याद नहीं, उनका तो मेरे भी लम्बे नहीं है जी। वैसे इस दफा तो आना चाहिए डॉक्टर फहद साहब को भी, फारूक साहब को भी। वालेकुम सलाम, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस्ताद जी। ये नहीं आते नहीं आएंगे उस्ताद जी, पिछले साल फरवरी में हुआ था, इस मतलब जल्दी क्यों हुआ दो जनवरी में। कारी हनीफ साहब, कारी साहब का वक्त लिया ना, उनका वक्त जिस दिन का मिला उसी दिन का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जो जो हजरत कहता है ना कि एक बात बताओ, आऊंगा या कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बात नहीं क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्ताद जी वो कहते हैं ना जी, वादे तो टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। यही बात है बिल्कुल। अरे भैया आ जाएं, फिर कहाँ मौका मिलता है साल में। जवाद भाई आपने कुछ नहीं कहा, आप आएंगे कि नहीं? वो आएंगे, उन्होंने कल बताया, कल परसों। हजरत फहद भाई से भी पूछ लें, उनसे वक्त पे ही पूछेंगे। वो पिछली दफा मैं नहीं पूछता क्योंकि वो नाउमीद, मैं नाउमीद हूँ उनसे। हम भी आपकी तरह ही हैं। नहीं आप उनसे उम्मीद से हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचा लिया। अरे भाई कौन सी उम्मीद है, बात को वो भरे भी रह रहे थे बस। नहीं बात मैंने वही की है जो जमील भाई ने की है, मैंने आरिफ भाई तो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। आरिफ भाई जू मानी जो नहीं लफ्ज होते हैं बस वो कह देते हैं उसके, फिर अब जो दो मानी निकल। फहद भाई हिम्मत कर लें, जो बात हमने की है हिम्मत कर अच्छा सकते हैं। अच्छा आरिफ भाई जो साथी नहीं आएंगे आरिफ भाई, मैं इंशाल्लाह उनकी क्या सजा होनी चाहिए इंशाल्लाह। सरप्राइज दोगे फहद भाई? इंशाल्लाह पक्के है जी, आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सरप्राइज दोगे हैं फहद भाई? फहद भाई इस दफा में ना आ सके ना, मिसाल के तौर पर आप मेरा दाखला मंसूख कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकते। नहीं ये तो हमें शर्त आपकी मंजूर नहीं है। अरे भाई क्या
सजा होनी चाहिए, सजा भी तय करें जो साथी नहीं आएंगे उनकी, सीधे सजा मजाक से हटकर। वाकई जी? हाँ जी, हाँ जी, पास हो आगे बिल मैं करवा लूंगा असेंबली में, वो छोड़ दें आप। उस्ताद जी इन्होंने एक ही काम कर रहा है, बॉम्ब मच्छी खुआने की। उस्ताद जी पिछली दफा तो हम इस धोखे में थे कि आप लोग इम्तिहान लेने वाले हैं, और आपने कहा था कि एक दिन इम्तिहान का होगा और फिर नेक्स्ट दिन फिर छोड़ देंगे आप लोगों को, तो हम इस समझे इम्तिहान आगे सुना दिया। हजरत ऐसा करें कि इस हाजिरी के नंबर रखें इम्तिहान में, इस हाजिरी ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर जो जो आएगा उसके नंबर जो है ना वो तय कर लें कि इतने नंबर तो सिर्फ हाजिरी के मिलेंगे, और इसके ऊपर अमल भी हो तो फिर वो ये है ना। हाँ जी, हमारे मुतमिम साहब कहते हैं कि जी इम्तिहान होगा, जब तलबा आते हैं सामने कहते हैं चलो कोई बात नहीं रहने देते हैं। नहीं, इम्तिहान वाला तो वही वाकई मामला ऐसा होता है, लेकिन हाजिरी के ऊपर आप नंबर रखें ना जी, इम्तिहान का तो वही तरीका ठीक है। जिस तरह हाँ जी हाजिरी के पांच नंबर या दस नंबर, पांच दस नहीं 50% होने चाहिए। जैसे 30 नंबर ले लेता है कोई तो फिर 3 नंबर दे के पास करते हैं ना, तो 3 नंबर आप इम्तिहान के रखे, 30 नंबर आने के रखे। हमारे यहाँ इस तरह होता है जो स्टेजेस होते हैं वो सेमाई इम्तिहान उसके 10 नंबर फिर हम रखते हैं पेपर में, तो इस तरह इसके भी रख दें। नहीं, इसके नंबर 50% वो तो पूरे साल की होता है ना, यहाँ तो एक दफा ही आना है साल में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, ये बात समझ नहीं आई कि पिछली दफा वो शख्सियत आई हुई थी कि जो कभी क्लास में नजर भी नहीं आए थे, वो एक मेरे ख्याल में कोई गुजरांवाला से आए हुए थे जिन्होंने कोई सवाती टोपी सी डाली हुई थी। फैसल महमूद नाम था मेरा ख्याल है। यार वो बंदा पूरी क्लास में पूरे साल नहीं फैसल महमूद नहीं, फैसल महमूद आता रहा ऐसे ही कोई नाम था उसका जी। नहीं नहीं, उसका नाम फैसल ही था। हारून तो आता रहा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना, फैसल हारून तो आता रहा है, जो फैसल महमूद था ना वो गुजरांवाला का है और स्कूल टीचर है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आता होता था क्लास में, आता होता था जवाब भाई। हाँ जी आता था वो, मैं यही तो कह रहा हूँ, दोनों फैसल आते थे। हाँ जी दोनों फैसल आते थे। वो और नाम है भाई, कोई और नाम है, एक अब्दुल वाहिद भी था उस्ताद जी। हाँ वो अब्दुल वाहिद, अब्दुल वाहिद वो बिल्कुल बिल्कुल वो क्लास में नहीं आए, वो मैंने भी नहीं देखा उस दिन से। वो पहले भी बड़े नाम आते थे। शेर आलम यार उन्होंने मेरे ख्याल में छोड़ दिया हुआ है, शेर आलम भाई ने, उन्होंने कोई मेरे ख्याल में पीरुज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब का कोई मदरसा था। शेर आलम भाई तो वहां पढ़ रहे हैं ना, वो वहां उन्होंने 8 साल कोर्स कर रहे हैं वो। वो होते हैं रابطے में, वो बताते हैं इस साल उन्होंने अपना इम्तिहान रिजल्ट भी शेयर किया था। उस्ताद जी इस दफा वो समीम अहमद भाई वो बिल्कुल आए ही नहीं, वो डॉक्टर आरिफ साहब वो भी नहीं आए, पिछले साल वो आए थे। काफी साथी टूट गए जी उस्ताद जी, ये तो है। आज मुझे एक मिला था पिशावर में, वो कह रहा है मैं साल अव्वल में चला गया हूं, इंजीनियरिंग में होता है। क्या नाम वो कौन? नाम भूल गया लेकिन मुझे रास्ते में मिला, कह रहा डॉक्टर साहब मैं तो बहुत मसरूफियात है और मैं साले अव्वल में चला गया हूं। तो आपको नाम पूछने की तौफीक नहीं हुई? नहीं मैं शर्मा रहा था कि वो कहेगा कि आप मेरा नाम भूल गए। असल बात ये जिंदाबाद सुन रहा मैं, सुन रहा हूँ जमील भाई जिंदाबाद। ऐसे होता है वैसे जमील भाई, ऐसे होता है। और ये वो बंदे जो मुफ्ती साहब को रोज मेरी शिकायतें लगातार। अच्छा जमील भाई वो साले दोम में था, वापस साले अव्वल में चला गया? नहीं हमारे साथ था, फिर वो कह रहा था मेरी मसरूफियात बहुत है इसलिए मैं साले अव्वल में चला गया हूँ, लेकिन वहाँ भी रेगुलर नहीं आता। अच्छा 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 फजल खालिक भाई आप फरमाए ना, वो कौन है? जी जी डॉक्टर है ना, वो भी डॉक्टर है, वो इंजीनियरिंग में कुछ मेरे ख्याल से पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी डॉक्टर है ना। फजल खालिक भाई तो इस दफा शामिल हुए ना जी साले अव्वल में?
वो भी हैं डॉक्टर के, लेकिन वो इधर मेरे ख्याल में सवाद की तरफ के हैं शायद। हजरत थोड़ी वीडियो ही चलवा लें बातें, तो फिर आज यहाँ काम हो जाए। हाँ आज यही होना। चलो जी शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके खलाई मखलूक पर रोशनी डाले ना, अगर खलाई मखलूक ने बात सुन ली ना तो फिर हमारी शाबत आ जा रही है। ग्रुप में भी कोई भाई मैसेज मुझे, मैं करता हूँ। चलो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए खलाई महलूक का डर ही ना हो। तुम तो जाली मुखा देती है, उसी मखलूक ही अलग हो। तो मैं माशाल्लाह डॉक्टर आरिफ साहब क्या बात है जी, तस्वीर आ रही है आवाज नहीं आ रही। चलो ये मैंने शेयरिंग बंद कर दी है। आरिफ भाई आपका माइक बंद है। अरे भाई माइक बंद है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, और माशाल्लाह फुल एनर्जी जाया कर दी है बोल बोल के। जमील भाई देखो लेट कर भी इतनी एनर्जी से बोल रहे होते हैं, वो खुद ही एनर्जी से भरपूर है जी। लाव गया किनु और ऐसे का लगे रे डर साहब इन्हें तो बैठे थी। आवाज बंद है आपकी डर साहब, आवाज बंद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप ना इनको करके साहब कोई इशारा दे के भाई आपका माइक बंद है। जी अब आवाज आई हजरत। हाँ जी अब आ गई, अब आ गई, कोयटा तक आवाज आ रही है आपकी। अच्छा चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोयटा तक भी पहुंच गई है जी। डॉक्टर साहब क्लिनिक में जी, जमील भाई क्लिनिक पे हूँ। ये आपने जमील भाई को बर्नर क्यों चूल्हा क्यों दिखाया था? फहद भाई आपका क्यों बंद है? लो फहद भाई कुछ कर ले, फहद भाई आप भी चला ले, खलाई मखलूक तो नहीं है पर। इसी तरह वीडियो कॉल हो जाए तो आने के बराबर ही, ऐसे खुश हो रहे हैं साथी एक दूसरे को देखते हैं, हकीकत में मुलाकात हो रही है। मुस्तफा मान साहब वो पीछे चिड़ गया, किधर पीछे मेरे पीछे कड़ी चिड़िया आ गई, इंदे पिछे चिड़िया नहीं, इंदे पिछे हाथी लूमड़ बग्याड़ एहो जी चीजां लग दियां ना। जारी गल है डॉक्टर खान भाई, क्या हाल है? हां जी क्या हाल है जी डॉक्टर साहब? ठीक है ना डॉक्टर साहब? ठीक है डॉक्टर जमील साहब? ठीक है और जी डॉक्टर आरिफ साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नूश भाई आपका क्यों बंद है? तो सवाब भाई ठीक है खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ बहुत शोर है इसलिए बंद बंद रखा हुआ है, कोई बात नहीं। मुस्तफान भाई अंदर चले जो, प्लीज सर्दी लगवानी है आपने। शुरू करता हूँ फिर मैं स्टार्ट। आ देखो मैं कंबल मेरे कोल पे आवा, मैं मंजी पे बैठा अंदर ही बैठा। ये सर्दी ने मंजी ठोक देनी जे तुसी आसे पासे हो जाओ। कोई गल नहीं डॉक्टर भी साडे कोल ही ने। थोड़ी देर के लिए गाने से हट के मैंने वो वीडियो ऑन की है जी। कहाँ हो आप फहद भाई? खाना खा रहे हैं होटल में मुझे लग रहा है। माशाल्लाह 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 फहद भाई लगता है सुसर के यहाँ है। नहीं नहीं कहीं छप्पर होटल में, छप्पर होटल में
शाह साहब, फरूक शाह साहब, प्रोफेसर साहब, आपकी वीडियो ऑन का ऑप्शन भेजा है मैंने। अख्तर आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अख्तर आलम भाई, क्या हाल है, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है, ठीक है जी। सारनदेव भाई, आपका क्या हाल है? आवाज बंद है आपकी। सारनदेव भाई, जैतून का तेल पी रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बस से आ रहा हूँ भाई, अभी बस में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, बस से माशाल्लाह। कहाँ भाई, सफर की तैयारी है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फारूक भाई, कैसे जी? मुराकबा किया हुआ आपने? ठीक है, सर्दी लग रही है डॉक्टर साहब। ओहो, इतने जवान आदमी को भी सर्दी तंग कर रही है। ये चूल्हे का बंदोबस्त देखो ना, ये देखो, ये देख लो, माशाल्लाह। एक मिनट सर, मैं तो नहीं जलाता अंदर। आप नहीं जलाते? फिर वो कांसी और वो नजला। अच्छा अच्छा अच्छा, एलर्जी है आपको? एलर्जी है बिल्कुल। मैं भी चूल्हे कोल रखा है। अच्छा मुस्तफावान भाई, आपको इसका मतलब है कमरे में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही कमरे में था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस में आप सफर कर रहे हैं? कुछ जैम्प कोई जैम्प नहीं लग रहे, बस हिल नहीं रही, जैम्प नहीं लग रहे, कोई पां पां की आवाज नहीं आ रही, ये किस तरह की बस है? ये ना, जिस साथी की वीडियो बड़ी करनी हो मुझे बता देना, ये देखिए अभी मैंने इनकी बड़ी की है ना, सबसे ज्यादा नजर आ रही है। बस इधर सही है थोड़ा। जैतून का तेल किया था वो, जिसमें नहीं, वो तो खाने में इस्तेमाल करता है, पीते तो नहीं है भाई। खाने अरे भाई, खाने के लिए भेज दो। नहीं सारंगदेव भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? जमील भाई, आपकी मोहब्बत और सांडे का तेल वो हमको भेजेगा ना एक मरतबा, वो आदिल के लिए और मेरे लिए। अरे भाई के लिए भी बंदोबस्त कर रहे हो यार। ये जमील भाई क्या कर रहे हैं? जमील भाई, ये अब ना हर मतलब हर एक अलग अलग मैंने कहा दिखा दे जरा जूम करके, हर भाई की अच्छी तरह ज्यारत हो जाए। उस्ताद जी, इनकी टिकट लगी हुई है देखने की? माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने जवाद भाई, कितनी टिकट है? यार ये तो जमील भाई से पूछना पड़ेगा ना पूरे। माशाल्लाह शाह साहब बैठ, शाह जी तस्बी किधर है? तस्बी मुराकबे में है टेबल पे। अच्छा, नहीं नहीं, शाह साहब मुराकबे में है। और पीछे लाके सुट गया। शाह जी, आपने प्रोग्राम पे आना है, क्यों उनको तंग कर? शाह साहब कौन से इलाके से है, ये तो तारुफ जरा करा दे। ये कौन था, फारूक शाह साहब था? फारूक शाह साहब, इनका कौन सा इलाका था? आरिफ भाई कौन से इलाके से थे? फारूक शाह साहब जी जी, मर्दान से, मर्दान से। अच्छा मर्दान, हाँ जी, ये सिर्फ मर्दान के यही मर्द यही है। मर्दों की आन है क्यों, बाकी क्या है? बाकी के मुतालिक नहीं कहना मैंने कुछ भी। अख्तर आलम भाई को भी हजरत थोड़ा सा बड़ा करें। माशाल्लाह ये आगे आगे, माशाल्लाह ये सही है।
माशाल्लाह वैसे ये भी मुराकबे वाली आइटम है। जबाद भाई जल्दी जल्दी से तीर ना चलाया करो, माशाल्लाह। अख्तर आलम भाई, ओ नासिर खान साहब आ गए, नासिर भाई आ गए, बात करो इधर करो जो भी करनी है। सुनो इधर पीछे से दरवाजा खोलना है और फिर अब करो वो तुम उन वजह तक फ्रूट नहीं देता, तुमने सेब नहीं दिए। हम अंदाजे लगा लगा के थक जाते हैं। याद है अरे भाई याद है आपको, आज हमारे तवहम दूर कर दो। अरे बुजारे जी खाना तो खाना ही होता है ना फिर। ठीक बात है, इनकी बड़ा हो गया, अखराटों की आवाज नहीं आई, क्लास पीछे आ गया है ना। हजरत जब अख्तर आलम भाई थी ना जी, अख्तर आलम भाई की खराटों की आवाज भी नहीं आई। अख्तर आलम भाई आप प्रोग्राम पे आ रहे हैं? आप आ रहे हैं प्रोग्राम? मेरे ख्याल में अभी माइक बंद होता है इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। नहीं अब आ रही है आवाज, आ रही है। कब से आप प्रोग्राम पे आ रहे हैं? कब है ये प्रोग्राम? कब है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हमारा इम्तिहान है, मेरे ख्याल में मैं नहीं आ सकूंगा। किस चीज का अख्तर आलम भाई? ये एक एमपील शुरू किया था। अच्छा 10 के बाद उसकी एग्जाम है जी। 10 के बाद है तो ये भी तो आपका इम्तिहान है, इधर भी 50% नंबर लगेंगे हाजरी के। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि आ जाए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अख्तर आलम भाई कहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप? मैं यहाँ पे गांव में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा रहा हूँ। गांव का नाम बताइए जी। ये सवात में है, इस्लामपुर के साथ ही है। अच्छा तो इसका मतलब है इस साल हमने आपसे मुलाकात सवात में करनी है जी। इंशाल्लाह 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 इरादा है। हजरत मुफ्ती साहब भी और हम भी इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल प्रोग्राम बनाएंगे। हजरत तैयार रहिएगा जो मीर साहब का हुक्म। अच्छा माशाल्लाह साहब, अख्तर आलम साहब और सारंगजेब साहब इनसे मुलाकात का जो है ना एक है भाई जो सबको। आज मैं लाइट जला दी है वॉशरूम की ना भैया। ये नील भाई सर में दर्द तो नहीं है आपके? जमील भाई के सर पे वाल नहीं है, दर्द कहाँ होगा? वो देखे वो आपको फिर आपने सही कहा था उम्मीद से। अख्तर आलम भाई आपके कितने बच्चे हैं? जी एक बेटा है जी। अच्छा माशाल्लाह। मुफ्ती साहब नजर नहीं आ रहे, मुफ्ती साहब नजर नहीं आ रहे। शादी आपकी लेट हुई है? अरे भाई जी हाँ जी अभी मुफ्ती साहब नजर नहीं आ रहे, 2.5 साल हो गए। वो सबको देख रहे हैं। कितने साल अख्तर आलम भाई? 2.5 साल हो गए। वो सबको देख रहे हैं माशाल्लाह। 2.5 साल चले, 2.5 साल में अल्लाह पाक और भी दे देगा अख्तर आलम। नासिर खान साहब आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा बेटा नहीं है? नहीं बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको बेटा भी अता फरमाए जी। आमीन दुआ है। आमीन आमीन का है ऊंची सी की नहीं? आमीन आमीन। अच्छा इसका मतलब है फारूक शाह साहब अल्लाह ताला आपको भी नौरीना औलाद अता फरमाए। आमीन और फाहद भाई को भी अल्लाह पाक बेटा अता फरमाए। बेटी है फाहद भाई के पास। आमीन जी आमीन। अनोज तू जो मुस्कुरा रहा है ना, तेरे लिए औलाद की दुआ तो हम नहीं करेंगे, पहले यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको
आपके पसंद ये जहाँ रहता है ना इसके लिए कर भी ना देना, सारे गुनाह में आप भी शामिल हो गए। अंग्रेज कर लेगी जमील भाई। जमील भाई आपकी क्या रिपोर्ट है? जमील भाई जी जी आपकी क्या रिपोर्ट है? वो टेक लगाते लगाते सो गए लगते। मुझे बहुत सख्त खांसी है। खांसी में बच्चों का तो नहीं होता, कितने हैं आपको खांसी की रिपोर्ट दे दी है। जितनी भी खांसी हो बच्चों को तो फिर भी पता ही होता है कितने हैं। रिपोर्ट खांसी की होगी भाई, आपने बच्चों का पूछा वो खांसी की रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। अरे भाई आप जमीन भाई से कौन सी रिपोर्ट मांग रहे थे? उम्मीद वाली वो जो कांची में मिल गई थी। नहीं वो जो चोर के खिलाफ नहीं थे वो तो थाने में दर्ज कराई थी, वो वाली तो नहीं पूछ रहे। आप साजिद इकबाल भाई ने वीडियो नहीं लगाई? साजिद इकबाल भाई आप कहाँ पे चले गए भाई? भाईजान मौलाना बिलाल साहब आ गए हैं। मौलाना बिलाल साहब आ गए। अरे बिलाल साहब वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करें, आज वीडियो चले। खांसी का मौसम है। सारे खांसी हो गए। जमील भाई ने लगा दिया सबको खांसी, वो सिरप दिखाया सारे खांसी शुरू कर दिए। शाजी फारूक शाह साहब जी 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 डॉक्टर साहब। शाजी आप क्या क्लास पढ़ाते हैं? किस चीज की क्लास थी? कोई हिफ़्ज की, कोई नाजरे की, कोई तो पढ़ानी चाहिए ना। नहीं जी कोई फारूक शाह साहब आपने एक दफा वो मौलाना फजल रहमान वाला वो पगड़ी पहनी हुई थी वो तो अभी उन्होंने वापस ले ली है। वो फिर आपने कहीं कभी नहीं पहनी वो पगड़ी? नहीं मैं तो पहनता हूँ, वो मौजूद है मेरे वो उस पर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई अचम फारूक नहीं तो फिर नहीं आए। हाँ जी साथी नहीं आए। शादी फिर मसरूफियत क्या होती है सारा दिन? सुदनवर भी नहीं है जी। क्यों शादी? फारूक शाह साहब मसरूफियत क्या होती है सारा दिन? जी सर अभी तो तकरीबन महीने से मैं बीमार हूँ, टाइफाइड हो गया था और अभी अच्छा। एलर्जी हो गई है। फारूक शाह साहब आप क्या काम क्या करते हैं? मैं सेक्रेटरी हूँ, विलेज काउंसिल सेक्रेटरी। अच्छा सियासत में है माशाल्लाह। वो पॉलिटिक्स में था पहले लेकिन वो जी अभी जो है वो साइड वाइज हो चुका हूँ, हो गया हूँ साइड वाइज। मुश्किल काम है सियासत माशाल्लाह। जेयूआई में जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम माशाल्लाह। जेयूआई में होंगे ना फजल रहमान ग्रुप में? नहीं आप जो हजरत जो आप सेक्रेटरी हैं आप यूसी के सेक्रेटरी हैं या जमीयत के सेक्रेटरी? जी सेक्रेटरी टू काउंसिल लिखा हुआ है बताया विलेज काउंसिल। जो काउंसिल होता है वो नहीं होते ये यूनियन काउंसिल के। ऐसा करें हम जितने साथी और साथजा है ना सबको एक एक निकाह का रजिस्टर दे दें। हाँ जी निकाह का अच्छा हाँ ये सही। निकाह का सारे गली सारे गलियां गलियां फिरन गए। नहीं ये तो बात मैंने इनके मुतलका की है ना। ये आगे यही काम कर रहे हैं निकाह पढ़ाने हैं। सराव सराव नहीं डॉक्टर आरिफ साहब हम भी फिर जो है ना आपने वो
व्लॉग्स बनाया करेंगे उस पे जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरह, ठीक है। तो हो सकता है हम भी कहीं फ्रांस और इंग्लैंड और इधर के दौरे शुरू हो जाए हमारे, लोग हमें बुलाएं जी ये भी चार चार शादियों वाले। साजी इकबाल भाई नहीं नजर आ रहे। इकबाल भाई कह रहे हैं मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा। अच्छा अच्छा मौलाना बिलाल साहब ने कैमरा ऑन नहीं किया, वो भी नहीं कर रहे। मैं उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कह रहे हैं कि नहीं नहीं। साजिद इकबाल भाई कहाँ है? साजिद इकबाल भाई कहाँ है? वो भी नहीं, आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे। वो भी आगे जी, आगे आगे बड़ा करते हैं उनको, बड़ा हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट कर रहे आप खैरियत से हैं? हाफिज साहब कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहे हैं? किस सफर करने? झूले लेने। सफर करना नहीं है, जापान से मेहमान है, उन्होंने आना है। अच्छा, तो आप उन्हें रोकने जा रहे हैं? मैं उन्हें रिसीव करने जा रहे हैं ना। क्या पोजीशन है इस टाइम धुंध की वहां पे? ये धुंध की क्या पोजीशन है इस टाइम? धुंध सर्दी ज्यादा है, धुंध कम है। कल दो दिन पहले धुंध ज्यादा थी, आज धुंध जरा कम है थोड़ी सी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो जाती होगी। क्यों जी डॉक्टर आरिफ साहब? इस वक्त 9 दर्जा लाहौर में 9 दर्जा रहा था। 9? अच्छा, 9 तो कुछ नहीं है। सर्दी ज्यादा है आज। हाफिज साहब क्या खा रहे हैं आप? नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं खा रहे, चबा रहे हैं। नहीं भाई चबा रहे हैं, खा कुछ नहीं रहे। आज मैं भी दिन में लाहौर में ही रहा हूँ। आपने लिफ्ट नहीं कराई थी तो सर्दी। मैं हाँ तुसी मसरूफ, आज जुमा किते पढ़ाने हो? आज जुमा नहीं पढ़ाया, आज यूनिवर्सिटी जुमा पढ़ाया सी बस। अच्छा, इसका मतलब फिर तो मुझे फोन करना चाहिए था ना जी। डॉक्टर आरिफ साहब जी, जी भाई जान, अबुबकर कैसे हैं? शाजी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत काफी बेहतर, खाना पीना ठीक ठीक है डॉक्टर आरिफ साहब? खाना जी माशाल्लाह। आप तो खुद से कहते हैं कि मैंने ये चीज खानी है, ये खानी है, मेरा बंदोबस्त करो खाना। मतलब एक कुछ ना खा लेते हैं ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी शुक्र है, क्योंकि खाना पीना हो तो वर्जिश भी। हाँ जी, वो जो कंधे की हड्डी का मसला था ना, और कंधे का जोड़ का, उस बाजू से वर्जिश भी कर रहे हैं। कल उन्होंने चटनी पीसी थी। माशाल्लाह चटनी उसी बाजू। हाँ जी उसी हाथ उसी बाजू से फिर इंशाल्लाह ठीक। चटनी कूटते रहे। सही वो अगर अल्लाह ना वो करे, पता क्या सर्दियां हैं और फ्रैक्चर होता तो फिर खतरनाक है। आपने ना बस उनकी थोड़ा हिफाजत ही रखिएगा, मतलब वो अंदर ही रहेंगे ज्यादातर, क्योंकि वो जो फ्रैक्चर साइड है ना, वो उधर हवा लगे या तो उनको तकलीफ ज्यादा भी हो सकती है। सर्दी से बचाना ना, सर्दी से बिल्कुल उनको बचाना है जी, बिल्कुल ठीक। इस तरह के जख्मी जो ना सर्दी में ना वो मतलब दर्द करते हैं ना, वो जोड़ भी हर जगह। हजरत बात तो फिर दरमियान में रह गई कि जो साथी हाजिर होंगे उनको कितने नंबर मिलेंगे, जो नहीं आएगा उसको कितने नंबर काटे जाएंगे, इस हवाले से गुफ्तगू फरमाए ना जी। चले करते हैं, इस हवाले से भी सोचते हैं, कुछ असाज़ा से भी पूछते हैं। आप हजरात मुफ्ती साहब आप भी अपनी वीडियो चला देना, मुझे देखा तो हुआ आप लोगों ने। उस्ताद जी आपकी ज़ियारत तो करने को बार बार दिल करता है।
इसीलिए कैमरा बंद किया हुआ है। क्लास के सरताज ही अगर सामने नहीं होंगे तो क्लास क्या करेगी जी? देख रहा हूँ क्या क्या कर रही है। नहीं सरताज सामने हो तो फिर कुछ अदब लिहाज भी होता है, नहीं तो फिर यही चलेगा कौन उम्मीद से और कौन नहीं। हजरत वो एक मसला जो रात हुआ था उस मसले की वजाहत चाहिए जी हमें। तो क्या जी वो आपको आपका इरादा है? वो बात वो हजरत जो बाप ने अपने बेटे की लौंडी पकड़ ली थी मुफ्ती साहब उसकी सजा क्या होगी? हाँ उसकी हजरत जो है ना सवाल पूछते हुए ये पांच भाई ने सवाल किया था उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। नहीं जमील भाई दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं बात भाई ने हजरत सवाल किया था कि इस बारे में डिस्कशन करने की बाप की सजा फिर क्या होगी? नहीं हजरत जो वो शादीशुदा आदमी अगर इस तरह का मुआमला कर ले तो उसकी सजा जो इस्लाम ने रखी है वो तो रजम करना रखी है ना। तो अब इनके ऊपर कौन सा मामला होगा लौंडी के साथ जो मामला हुआ है और फिर बिलखुसूस अपने बेटे की लौंडी थी तो इसके अंदर मसला ये है कि होगा गुलाम की वजह से ना, गुलाम और आजाद दोनों में बहुत फर्क है। एक मिनट जी बिल्कुल हजरत वीडियो चला के आपने जवाब देना है जी हमें। ये सही है फरमाइशा चेक करो डॉक्टर। ये सही है ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब का भी जो ना दीदार हो जाए उसके लिए आपको बाम खिलाना पड़ेगा मुफ्ती साहब। ये सही भाई ये रहने दे जमील कफायतुल्लाह भाई डॉक्टर आरिफ साहब इन चीजों में नहीं घबराते हैं। यार इस मर्तबा मैंने ना वो को बंदोबस्त करना है साथी ज्यादा से ज्यादा तशरीफ लाइएगा एक तो अपने नंबर बचाने के लिए कि नंबर पूरे मिले और दूसरा जो है ना वो दावत होगी मेरी तरफ से इंशाल्लाह। तो अरे भाई लकड़ियों का भी इंतजाम कर दें। हाँ होगा मैंने किया हुआ लकड़ियों का इंतजाम। वैसे अरे भाई इस दफा अगर जमील भाई के जमील लगाए तो आग तो जमील भाई का बनता है। किस चीज का? दावत करने का। नहीं 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 जमील भाई मेहमान है हमारे। नहीं नहीं आप भी हमारे मेहमान हैं तो भाई यहाँ पे तो मेजबान हम हैं आप सब मेहमान हैं। मैं तो नहीं किसी को कहूंगा कि वो हमें दावत खिलाए मैं हाजिर हूँ दावत खिलाने के लिए। नहीं, नहीं, आपके तो हम, दावत हो ना हो एक अलग बात है लेकिन मांगा मंडी एक दफा देखना जरूर है जी। इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। वाह टिड्डी दिल देखेंगे और क्लिनिक तो जरूर मैंने जाना है वहाँ पे इंशाल्लाह विजिट करना है जी। तेल भी मिल जाएगा डॉक्टर जमील है तो सारा सिर गंजा थी गए। सिर ते हाथ ला सर्दी ज्यादा है सिर गर्म रखे ने पर एक तू एक छड़ हाफ एजाज सर में शदीद दर्द है नज़ले की वजह से। सारे मीरे दा तेल लाल है। जमील भाई आप आए हम आपको सर पे बिठाएंगे देखिया जी कितने अग्गा पीछे ना हो जावे। मुफ्ती साहब कहीं चले गए। अनोश भाई बहुत अच्छे हैं बड़ों के दरमियान में देख ले बोलते नहीं है बहुत अच्छे हैं समझदार हैं। मैं अनोश भाई बोलने बोलने के काबिल भी नहीं है। उसको फिर आप तंग करते हैं ना उसको और कहते हैं शादी कर लो और शादी कर लो। नहीं तो ये तंग थोड़ा करते हैं ये तो इनको अच्छी सी दावत दे रहे हैं ना ये तो उनके माँ बाप के लिए करेंगे ना उसके बस में तो नहीं नहीं ये साथियों की तो भी मोहब्बत होती है ना कि साथी भी फिक्र में है कि कब हम चावल खाएं उनके।
जब हम बार 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 सारे ही कहते रहते हैं ना अनोश भाई को, तो अनोश भाई आगे से पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। पहले बहुत तंग होते थे, अब तंग नहीं होते लगते हैं। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, इंतजार में। यार ऐसा करें, बताएं मुझे कि अपना किस किस ने नियत की है हज की उम्रे की, और कौन कौन ज्यादा तड़प रहा है मांग रहा है। फिलहाल तो हम 12 तारीख के प्रोग्राम की कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा जी भाई, क्या फरमा रहे थे आप? जी साथी कह रहे थे कि जी सामने आके वो एक तो मसला भी समझा दे और ज्यारत भी करवा दे। वो उस्ताद जी, वो लोंडी का मसला इनके दिमाग में ना कल से लोंडी बैठी हुई है। जमील भाई के खास कर, जमील भाई मेरी बात सुने, जो आपको उसके अंदर पहलू नजर आते हैं ना कि पूछने वाले, वो आप पूछ लेना, अब शर्माए नहीं। कल वो फाद भाई ने सवाल किया था, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोंडी उसने ले ली ना उसके अब्बू की होगी तो क्या सजा नहीं मिलेगी उसके अब्बू को? क्या ले ली? लोंडी हो गई ना उसके अब्बू की। लोंडी कैसे हो, कैसे होगी? वो मेवलद हो गई ना, फिर वो उसके हवाले हो जाती है। अच्छा, उम्मे वालद खुद से हो गई है या बाप ने जबरदस्ती कर, आपने कारनामा कर दिया? क्या कर दिया? ये कारनामा। डॉक्टर जमील साहब आप हर वक्त लेटे रहते हैं। नहीं, मेरा असल में देखिए मसला ये है, नजला है गुलाम की वजह से ना आजाद को वो सजा नहीं दी जाएगी जो आजाद की वजह से आजाद कर दी जाती है। एक मसला ये तो कायदा कुलिया है, याद रखें। माशाल्लाह हजरत, आप तो जैसे वो बड़ा त्यारा जा रहा होता है ना सऊदी अरब की तरफ, और पायलट जो बिल्कुल अलर्ट होते हैं सब कुछ लगा के, पायलट लग रहे हैं माशाल्लाह। हैंड फ्री रडार सब बहुत महंगी महंगी लेकर ना एक महीना चलती है, 500-600 वाली अच्छी से अच्छी हैंड फ्री ली, लेकिन नहीं चली। तो मैंने कहा ये ट्राई करके देखते हैं, शायद ये ठीक रहे। वैसे उस्ताजी ये है चीज अच्छी है। अच्छा हजरत, मेरे पास ये जो हैंड फ्री है ना AR की है, और इसे 6 माह हो गए। नहीं, वो आप मोबाइल में यूज करते हैं ना? जी जी, मैं लैपटॉप में यूज करता हूँ, लैपटॉप की पावर ज्यादा होती है, उसकी वजह से खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो उस्ताद जी, अच्छा इसके अंदर वो दो पिन वाली है ना, एक माइक की और एक स्पीकर की है ना? हाँ जी हाँ जी जी जी, ये ठीक रहेगी उस्ताद जी, इसकी पावर अच्छी होती है। हाँ ये ठीक इंशाल्लाह। तो ये तो महंगी भी आई होगी जी? नहीं, ये ना मदरसे में ना हम पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ ये दरकार होती है जिससे आवाज आए भी और जाए भी। जी जी। नासिर भाई आपको खारिश हो रही है? नहीं नहीं। तो मुंह क्यों ऐसे क्यों किया हुआ? काट के वैसे ही फेंक। नहीं नहीं। हजरत फिर क्या मसले का? नहीं ऐसे ही मामला, तो ये वहाँ रखे हुए थे, फालतू थे, इनमें आवाज जाती नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप का माइक है ये अपना बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता माइक, तो ये आवाज आती है बेहतरीन, अच्छा गुजारा हो रहा है। तो ये वैसे वहाँ फालतू पड़े हुए थे 5-6, उनमें से मैं 3 ले आया, 3 लैपटॉप होते हैं ना मेरे पास, अव्वल दोम सोम के, तो उन तीनों में एक ही किस्त। लैपटॉप पे मोबाइल से अच्छी क्लास पढ़ाई जाती है हजरत? जी जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी डॉक्टर साहब। इसका मतलब मैं भी चला लिया करूं जी। जो लैपटॉप पे पढ़ाना, पढ़ने की या पढ़ाने की आदत बन जाए ना, मोबाइल पे उसको बिल्कुल नहीं मजा आता। अच्छा जी, इसका मतलब मैं भी फिर कंप्यूटर पे ही होगा जी। अब इसमें तो आप एक तरफ साथियों को देखेंगे या किताब को देखेंगे, और दूसरी चीजें करने के लिए आपको एक पास एक ही विंडो होगी, लैपटॉप में एक वक्त में कई विंडो ओपन हो जाती है ना। तो अभी मेरे सामने एक तरफ किताब होती है, दरमियान में साथी होते हैं, कौन कौन मौजूद है, कौन बोलना चाह रहा है, कौन नहीं बोलना चाह रहा, और एक तरफ लिस्ट भी खुली हुई होती है, और भी कंट्रोल वगैरह सारे सामने होते हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब मुझे भी ट्राई करनी चाहिए जी। ये देखें ना आरे भाई, ये देखें, अब तो कर लिया तो अब ले ला भी तो। ये आपको दिखाता हूं,
फिर मुझे जूम इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना उसके अंदर जी। ये देखें अब ये ये तो मैंने बुक खोली हुई है, ये बुक किताब खुली हुई है इनकी। ये सात साथी हैं, कौन कौन? दो मौजूद हैं इस वक्त साले अव्वल के अंदर। तो अभी मैं सामने इसी किताब में से देखकर पढ़ा सकता हूँ। सिर्फ दो मौजूद हैं सिर्फ? हाँ जी, इसमें दो ही मौजूद हैं इस वक्त। जमील भाई देख ले, वो साथी है जिससे आपको शर्म आ रही थी? हाँ वो है। जमील भाई जिससे आपको शर्म आ रही थी, आप नाम नहीं उसका पूछ रहे थे, वो देख रहे कौन सा शर्त है? इसका मतलब है मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी जूम इसके अंदर जी। हाँ वो बड़ी आसानी से हो जाएगी, गूगल पे जाएंगे ना, गूगल से डाउनलोड हो जाएगी बड़ी आसानी से। उसका गूगल अपना होता है जी? नहीं आप मतलब गूगल वैसे ही वेबसाइट खोलेंगे ना आप गूगल की? जी जी हाँ, उसमें क्रोम होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है, इनमें से किसी में भी जाके गूगल ओपन करें, उसमें से लिखेंगे तो हो जाएगी। चलें जी, मेरे पास पड़ा है फिर इसका मतलब मैं उसको शुरू करता हूँ। शायद कल मैं आ जाऊँ उधर दोपहर में, और दोपहर में है तो वैसे मेरा इरादा कल आने का। मदरसे में होंगे या घर में जी? कल छोटे भाई तो शायद हम वहां जाएं, लेकिन वक्त नहीं मालूम। उस्ताद जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जी, ये साथ ही 5-6 किलोमीटर आगे। चलें, मेरा जहन तो है, देखें जी जो अल्लाह को मंजूर। मैंने आना तो है, और काम है मुझे तो वैसे। अच्छा, चलें अच्छा। अगर आप इधर हुए टच, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, वक्त बता दूंगा आपको, बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको वक्त। मैं जोहर इंशाल्लाह जो आपके घर के सामने मस्जिद है ना, मेरा ज़हन वहां पे, उम्मीद है इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे तब तक। ये नहीं है, ये घनिया की फाटक जी जी, यहाँ पे जाना है तो थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, कोट राधा किशन की तरफ जी जी। नहीं उधर वो छोटे भाई की दूसरी शादी हो रही है ना, मतलब पहली बीवी का मामला तो बताया था शायद आप। वो मामला हल हो गया? नहीं हुआ, वो नहीं आ रही। हमने काफी कोशिश कर ली, तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो खुला मिल गया उसका? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब है निकाह कर रहे हैं जी आप? हाँ जी। तो हजरत वलीमा 12 तारीख को रख लेना, साथी आएंगे। शादी गलवन वो कह रहे हैं कि छोटी ईद के बाद। अच्छा, सिर्फ निकाह करना? निकाह होगा भी। फिर तो वलीमा नहीं, फिर तो रोटी बनेगी कल्ली। नहीं तो निकाह पक्का तो नहीं ना होगा, फिर पक्का होने के बाद ही वलीमा होता ना जी। हाँ जी, ये सही। पक्का नहीं होगा, पक्का तो रात ही पढ़ा है हमने मसला ना। जी जी, नासिर भाई निकी निकी ही नहीं सही ना, सही ना बगैर पक्का तो मुफ्ती साहब से रात को मसला पढ़ा है और फिर पूछ रहे हो पक्का पक्का कर रहे हो। उस्ताद जी सुनाए, लैपटॉप कैसा चल रहा है आपका? लैपटॉप एक चल रहा है जामिया का, वैसे 2 दिए हुए जामिया ने, तीसरा तो मैं अपना इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। आपका जो और वो एक तो खराब भी है ना, दो खराब पड़े हुए, दो नहीं हो रहे, बहुत तंग हो जाते हैं। जब बाद भाई कोयटा तो आने ने बड़े सस्ते मिलते हैं लैपटॉप। जी जी, बस वो एतमाद वाली चीज नहीं होती आ रही भाई ना, इसलिए डर होता है। यही है, इसी तरह तुक्का ही है, अच्छा लग गया तो लग गया। तुक्का है, 2 लाख वाली चीज आपको 20,000 में मिल गई, और ये भी मुमकिन है कि 20,000 भी डूब गए। अच्छा, को पक्का पता नहीं है। थिंक पैड था वो कैसे चल रहा है? वो ठीक है, वो जबरदस्त चीज है, पायदार चीज आपने ली हुई है ना, पुरानी है वो। जी जी, कौन सा पायदार है? जवाब भाई, इनके पास लिनोवो का है थिंकपैड, बहुत अच्छा लैपटॉप होता है, जबरदस्त चीज है।
मेरे पास अलग है, काफी पुराना मॉडल है लेकिन बहुत अच्छा चलता है। उस्ताद जी वो जो डेल का लाया था तालिबे इल्म जो क्वेटा से, वो वाला कैसा है, अभी मुरम्मत हुआ कि नहीं, सेट हुआ या नहीं सर्विस उसकी? नहीं वो तो खराब पड़ा हुआ है तभी का, वो तो बस चंद दिन ही चला था। वो 36,000 का खरीदा था मैंने, 36,000 का। ताजी ये टोपी नहीं है आपकी? है ना, आपकी है, आपकी कहाँ है? मेरी नहीं है ताजी, ये नहीं ली है टोपी। नहीं ये तो मेरे पास बहुत पुरानी चल रही है। जमील भाई सेर सलामत, टोपियां बढ़िया। कहोगे तो उस्ताद जी दस्तारबंदी होगी तो जमील साहब को फिर कैसे पहनाएंगे भाई, वो दस्तार कैसे बांधेंगे, टोपी तो वो डालती नहीं। ये भी है, वो वैसे ही फिसल जाएगी। हाँ ऊपर बिल्कुल ऐसा चमकाया हुआ ऊपर। नहीं नहीं सही तरह बात जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। आसू पासू बाढ़ ला देंगे ना, जिम्मे खेत लाते ने। अच्छा जी चले सबक पढ़। मुलबिलाल साहब का भी वक्त खत्म हो गया, मुलबिलाल साहब बातें सुन रहे हैं लेकिन कैमरा नहीं ऑन कर रहा है, वो नहीं आएंगे, उन्होंने मैसेज किया मेरा पैकेज नहीं होगा। मुलबिलाल साहब क्यों नहीं, मसला तो उस्ताद जी अगर आप कल वाला सबक जो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, अगर ये जो एक पीरियड के अंदर मुफ्ती सुहेल वाले साहब के जो। नहीं हजरत मौलाना बिलाल साहब क्या फरमा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? वो मौजूद है क्लास के अंदर, वो कैमरा नहीं ऑन कर रहे, उनकी मर्जी। शर्मा रहे, शर्मा रहे। नहीं तो बोल भी तो नहीं ना रहे, बात भी तो नहीं कर रहे। चलो लोगों के शागिर्द शर्मीले होते हैं, हमारे उस्ताद भी शर्मीले हैं, लेकिन बात तो करें ना। मौलाना बिलाल साहब तकवादार आदमी है, वो वीडियो कॉल नहीं करते। नहीं नहीं वो सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं वो। मैं उनको रिक्वेस्ट भेज सुन रहा हूँ सारे सबके, ये बात तो सबके सुन रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम हजरत। इम्तिहान में जोर निकालते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बड़ा टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं नहीं रहा आपको। नहीं जब टाइम था तब कौन सा ऑन किया आपने? हाँ यही बात तो मैं कहने लगा हूँ। सुन रहे हैं कि कोई कौन शिकायत लगाता है मेरी? हजरत टाइम हमें भी टाइम दे दिया करें, हम भी चाहते हैं कि आज हजरत के सिग्नल पूरे हैं। ये सारे इन तो मौका ही नहीं दिया बात करने का, हर कोई टोपी उतार के पड़ा हुआ है, कोई किसी के बात के कान नहीं है, किसी का मुंह नहीं है। ये देखें हजरत, ये देखें फारूक शाह साहब, सबकी कसर निकाली हुई है, टोपी भी और चद्दर भी, माशाल्लाह पूरा बुजुर्गों वाला हुलिया। ये भी देख ले, ऐसे ऐसे लगता है जैसे माशाल्लाह हमारे मोहतरम हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्ला अलैह जवानी में इस तरह के होते थे। तो बड़े लोग थे। मौलाना बिलाल साहब एक झलक दिखला देना। मौलाना साहब मेरे ख्याल में चले गए। अच्छा जी आज साथी पूरे नहीं आए वैसे, मौलाना 12 सुहेल साहब का सबक भी नहीं होगा हजरत रात, माशाल्लाह काफी साथी हो गए थे। मौलाना नासिर साहब के साथ के अंदर अगर खुलासा ही बयान कर दे कल वाले सबक के वाले से, तो अगर पढ़ना ही तो फिर आगे पढ़ते हैं ना हम। उस्ताद जी थोड़ा खुलासा बयान कर देते हैं, मैं कल नहीं आ सका था। तो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी आपने? नहीं उस्ताद जी हजरत वो मसला तो अभी दरमियान में ही रह गया। लाइट ने भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया ना, जैसे ही नमाज पढ़ के आया ना बस जुमे की, उसके बाद से लाइट ही नहीं थी। अच्छा बस मुझे खुलासा थोड़ा सा आप बता दें कि वो कल का जो सबक में उसमें आपने क्या मोटी मोटी कोई थोड़ी बात समझ आ। कल वाले सबक के अंदर तो कोई नई बात नहीं थी,
जो गुज़िश्ता हम तमस्सुकात ज़ाइफ़ा पढ़ रहे थे कि जिनके अंदर जी जी उस्ताद हमने मिसालें पढ़ी थी कि ये दलील पकड़ना इससे ज़ाइफ़ है, ये इस हदीस से ये दलील पकड़ना ज़ाइफ़ है, उसी तरह की दो तीन मिसालें थी गालबन कल भी, और उनमें थी अय्यामुन नहर के अंदर या अय्याम तशरीक के अंदर रोज़ा रखना, रोज़ा नहीं रख सकते तो रोज़े की नज़र भी नहीं मान सकते। हजरत वो एक तमस्सुक तो हल हो नहीं रहा, कौन सा जो मैंने बताया सजा नहीं मिलेगी गुलाम की वजह से, बांदी की वजह से आजाद को सजा नहीं दी जाती। बाप बच गया इसका मतलब बात ये, हाँ जी बच गया। बात ये है कि गुलाम या बांदी माल है, माल गुलाम या बांदी माल है, आ रही बात समझ में, और इसी वजह से मेहर के अंदर दिया जा सकता है, गुलाम भी दिया जा सकता है, बांदी भी दी जा सकती है। उस्ताद जी जी तो ये बांदी बाप की हो गई या अभी भी बेटी बाप की हो गई है, उम्मे वलद बनती ही उसकी हो जाएगी क्योंकि उसकी उम्मे वलद बन गई ना, जैसी हमल ठहरा तो उससे औलाद हुई तो ये उसकी उम्मे वलद बन गई, अभी ये बेटे की कहला ही नहीं सकती। तो ये बेटे को मतलब कुछ एवज देगा, इसका कोई एवज देगा? हाँ बिल्कुल देगा, अगर बेटा मुतालबा करता है तो, अगर बेटा अगर छोड़ देता है तो फिर नहीं देगा, शरण तो बनता है उसका एवज। नहीं औलाद ना भी हो फिर भी तो उम्मे वलद है ना? नहीं फिर क्यों उम्मे वलद है, उम्मे वलद का मतलब है वलद बच्चे की माँ, तो जो उसके खामद के दूसरे भी तो बच्चे ही है ना, चलो सके नहीं सुतेले से जो है आपने बोला कि माल है तो ये चली गई बाप की तरफ ना, फिर लेकिन अभी हकदार इसका बाप ठहरा। फिर भाई मसला ये है जब उसकी औलाद उससे हो गई ना तो वो उसकी उम्मे वलद बन गई, उम्मे वलद का मतलब ये है जब औलाद हुई तो वो उसकी बच्चे की माँ बन गई, उर्दू में यूं ताबीर कर लें इसको, बच्चे की माँ बन गई, जब बच्चे की माँ बन गई तो इसकी उम्मे वलद होगी, अब ये किसी और के पास नहीं जा सकती। हजरत अगर वो उससे औलाद नहीं भी होती तो फिर भी जो सुतेली माँ है फिर भी तो माँ ही है ना? नहीं नहीं वो माँ तो सुतेली तो एक अलहदा रिश्ता है, लेकिन हकीकी रिश्ते की बात होती है, और जो अहकाम जारी होते हैं वो सुतेले के ऊपर तो नहीं जारी होते, हकीकी रिश्ते पे जारी होते हैं, ठीक है ना उस्ताद जी? अगर बाप उसके साथ वती करता और हमल ना ठहराता फिर भी वो बांदी उसकी होती कि नहीं बेटे के लिए कोई नहीं, फिर नहीं होती, फिर नहीं होती। अच्छा फिर वो बाप की मिल्क में आ जाती है? नहीं फिर बेटे की रहती है, वो इसका जो फेल है या हराम है वो हराम ही हम बता रहे हैं, किसी और की बांदी से जिमा करना हराम है, यही बाकियों का। हजरत मेरी बात, हजरत अगर उम्मे वालद नहीं बनती, हाँ वालद उसको हर तरह से इस्तेमाल लेकिन बनती नहीं, तो अब क्या मामला होगा, अब उसको उसके बेटे के साथ क्या रिश्ता बनेगा? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर उम्मे वालद नहीं बनती तो ये बेटी की बेटे की ही बांधी रहेगी, ये फिर बाप की मिल्कियत नहीं होगी, चाहे बाप ने सब कुछ किया भी हो, बाप की सब कुछ किया हो। जी 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 देखो आप के लिए आप अल्फाज पे गौर करें ना, मैंने कहा ये बाप की उम्मे वलद बन जाएगी, यानी हजरत ये यानी सारा जो मामला है ना वो औलाद से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई उस्ताद जी, बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी हमल ठहर जाना शर्त है अगर बाप। नहीं नहीं क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ भाई। हजरत किताब दोबारा देखें जी, आप लोगों ने एक दफा बताया था कि ये होगा क्या कहते हैं कि अगर कोई मतलब गुलाम हो या बांदी हो तो उसको 40 कोड़े सजा मिलती है, तो फिर इस केस में आप किस मतलब कह रहे हैं कि इसको कोई सजा नहीं मिलेगी? हाँ 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 मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप हजरात ने पूछा बाप की सजा का, बांदी अगर खुद करती है हजरत मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ बाप की जो सजा है ना, ना बाप की सजा की बात हो रही है ना बांदी की सजा की बात, बात ये कर रहा हूँ कि बाप को चूंकि आजाद है
और वो बांधती है तो यानी गुलाम की वजह से आजाद को सजा नहीं मिलेगी। हजरत मुश्तरका वाला भी तो मामला गलत हो गया ना जी। कैसे? वो आप कह रहे हैं कि चाहे वो फिर बेटे के पास आ जाएगी बाप ने सब। उस्ताद मोहतरम मैंने ये आरिफ भाई से ये एक मसला डिस्कस किया तो सुबह, फिर इसमें अगर एक मसला और भी पैदा होता है कि ये काम तो हराम है लेकिन इसके ऊपर शरई हदूद तो लगेंगी ना, जो शरई कवानीन है, तो फिर वो कवानीन फिर कि अगर बांदी ने खुशी से किया है जबरदस्ती नहीं हुई तो बांदी को लगेगी हद, बाप को नहीं लगेगी। सवाल अर्ज ये कर रहा हूँ मैं जी, वो बांदी को जो आपने कहा ना आधी हो जाएगी सजा, वो बांदी के लिए होगी, बाप के लिए तो नहीं कि उसने अगर आजाद से जिना किया तो पूरी सजा मिलेगी, अगर बांदी से जिना किया तो आधी मिलेगी, ऐसा मामला नहीं। नहीं लेकिन उस्ताद मोहतरम ये बाप के लिए ये बांदी आजाद औरत की हैसियत में नहीं होगी क्योंकि ये तो नहीं उसकी बेटी की है ना। नहीं नहीं नहीं, आजाद औरत हैसियत नहीं होगी उसके लिए, बांदी जो बांदी होती है वो सब के लिए बांदी होती है, मतलब ये है हर एक के लिए बांदी की। नहीं नहीं, मामला ये है एक गुलाम है ना किसी का, तो सब उसको गुलाम ही समझेंगे, अपना नहीं समझेंगे, किसी और का समझेंगे, लेकिन गुलाम की निस्बत उसके साथ जुड़ी रहेगी, ये बात याद रखें। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे किसी घर का कोई नौकर होता है ना, तो वो उसका नौकर नहीं है, हमारा नौकर नहीं है, लेकिन हम सब कहेंगे ये फलां का नौकर है, मतलब नौकर जरूर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी चलो, हरूफुल किताब शेयर करूं फिर मैं, पढ़ना है तो जी जी पढ़ लेते हैं जी उस्ताद, पढ़ना है कर रहे हैं, बंद कर दो वीडियो वगैरह जी, बंद कर दे। इकबाल भाई आप किधर हो? मैं इधर हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तस्वीर भी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अच्छा जी, हरूफ दो तरह के होते हैं, एक हरूफ मबानी एक हरूफ मानी, एक मिनट जरा मैं दरवाजा खोल दूं। लो जी, उम्मीद है कि अभी डॉक्टर फाद साहब को और डॉक्टर आरिफ साहब को दोनों भी मसला समझ आ गया होगा। नहीं अभी रौला है, लेकिन मुझे समझ आ गई बात उस्ताद जी की। अच्छा तो आप तरह के होते हैं जी, दो तरह के, एक हरूफ मानी दूसरे हरूफ मबानी। मबानी मैंने बताया था आप हजरात को, मबानी किसको कहते हैं, अलग अलग हरूफ जो तहजी होते हैं, जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल, यानी अलिफ से लेके या तक जितने हरूफ हैं, यानी जिनको हरूफ हिजाइया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरूफ हिजाइया, इनका कोई माना नहीं होता, ठीक है। अलबत्ता इन हरूफ से मिलाकर कोई कलमा बनाया जाता है, कोई चीज बना, यानी कोई हरफ बनाया जाता है, कोई जुमला बना दिया जाता है, जोड़ा जाता है इनको। और दूसरी किस्म होती है हरूफ मानी की, ये भी जोड़े जाते हैं, लेकिन ये जोड़ने के अलावा माना भी देते हैं, किसी माना के लिए वजह किए गए होते हैं। हरूफ हिजाइया का कोई माना है? नहीं, माना तो कोई नहीं, कोई माना नहीं है ना, तो वही अर्ज कर रहा हूँ, उनसे उनकी तरकीब होती है, मतलब उनको मिलाकर हरफ बनाए जाते हैं लेकिन उनका कोई माना नहीं होता, हरूफ मानी उसको कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, जिनका जिनका कोई माना भी होता है और तरकीब भी, यानी के जोड़कर मिलाकर इस्तेमाल भी किए जाते हैं। अब हरूफ मानी के अंदर कौन कौन से अल्फाज आ जाएंगे जो हमने पढ़े थे नहव मीर के अंदर या इल्म या हिदायत नहव के अंदर, ठीक है। एक तो हरूफ आतफा, हरूफ जारा, ये दोनों दाखिल हैं, और इन दोनों, ये दोनों जो हरूफ हैं ये ऐसे हैं इनसे बहुत सारे शरी अहकाम जुड़े हुए हैं, बात समझ आ रही है?
इनसे बहुत सारे शरी अहकामात जुड़े हुए हैं। यानी एक हरफ की वजह से हमारे नजदीक मसला यूं होगा, इमाम शाफी के नजदीक यूं होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो आप हजरात ने पढ़ ही लिया, हुरूफ जारा किस पर दाखिल होते हैं भाई, बताओ कोई भाई, हुरूफ जारा किस पर दाखिल होते हैं? फिर रहने दो, आपने नहीं जाना। बोले भाई, बोले इसम पर, फेल पर दाखिल हो सकते हैं, इसम की अलामत जी, फेल पर नहीं, नहीं दाखिल हो सकते, ठीक है, इसम पे जी, हाँ जी, फेल पर दाखिल नहीं हो सकते, सिर्फ इसम की अलामत है। अच्छा, और जो हरूफ आतफा है वो दोनों पर दाखिल हो सकते हैं, फेल का फेल पर भी आतफ हो सकता है, इसम का इसम पर भी आतफ हो सकता है, ऐसी है ना, जैसे जा अज़ैदुन वज़हब अमरुन, मिसाल के तौर पर जैद आया और आमर गया, जा अज़ैदुन जुमला फैलिया खबरी होकर मातूफ अले वाव हर्फ आतफ वज़हब अज़ैदुन, ज़हब फेल ज़ैदुन फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फैलिया खबरी होकर मातूफ, मातूफ मातूफ अले मिलकर जुमला मातूफ, आ रही बात समझ में? इसी तरह ये यहाँ क्या है, फेल का फेल पर अतफ हुआ, जा भी फेल है, जहाब भी फेल है। इसम की मिसाल दे दूं, जा अज़ैदुन व अमरुन, ज़ैदुन मातूफ अले वाव हर्फ अतफ, अमरुन मातूफ, तो यहाँ जैद और आमर दोनों इसम है, दोनों का एक दूसरे पर अतफ हो गया। अच्छा, उन हरूफ में से सबसे पहले हरूफ आतफा को जिक्र करेंगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद हरूफ जारा को। तो हरूफ आतफा कितने थे भाई, जल्दी बताए कोई साथी, हमने नहमीर में पढ़े थे एल जी 17 ना भाई, हरूफ आतफा, हरूफ आतफा और वाव हर्फ आतफ और गिनती बता दो, बस गिन के ना बताओ, गिनती बता दो, तादाद बता दो, 4 ठीक हो गया। और बताओ भाई जल्दी, और कोई साथी बताओ, भाई याद रखो, वो कहेंगे 2 साल आपने सारा कुछ पढ़ लिया, आपको हुरूफ आतफा की तादाद नहीं पता, इल्म नहमीर भी पढ़ ली, रियात नहव भी पढ़ ली, हुरूफ आतफा की तादाद, हुरूफ आतफा 10 है भाई, 10 होते जी, बिल्कुल बिल्कुल, आखिर में हमने पढ़े थे इस्तिस्ना की बहस से पहले, वाओ फा सुम्मा इमा औ अम ला बल लाकिन, गालबन मैंने एक दो छोड़ दिए। अच्छा जी, तो उनमें से सबसे पहला वाओ है, वाओ को बता रहे मुसन्निफ, कह रहे अल वाओ लिल जमी अल मुतलकी, वाओ मुतलक जमा करने के लिए आता है। यानी देखें, हरूफ आतफा जब आगे, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि एक इस एक मातूफ अले भी यहाँ होगा और एक मातूफ भी होगा, तो ये याद रखें हरूफ आतफ जो है ना ये दरमियान में होंगे, इनसे पहले वाला जो कलमा है वो मातूफ आले है, यानी जिस पर आले, मातूफुन आले, तर्जमा बताता हूँ, जिस पर आतफ डाला गया हो, फिर दरमियान में हरूफ आतफ आ जाएगा, फिर उसके बाद मातूफ आएगा यानी आतफ डाला हुआ, तो वाव आएगा यानी हरूफ आतफ आएगा दरमियान में, इससे पहले वाला कलमा क्या होगा, हमेशा मातूफ आले, और उस हर्फ आतफ के बाद वाला कलमा क्या होगा, मातूफ। ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को? तो वाव क्या करती है, ये मुतलक जमा करने के लिए आती है, यानी जमा का माना देती है अपने से पहले और अपने से बाद दोनों को जो आपस में जमा कर देती है मुतलकन, लेकिन मुतलक का क्या मतलब है, जमा कर देती है बस, इतना ही काफी था, मुतलक कहने की क्या जरूरत थी। तो मुतलक का मतलब ये है भाइयों कि ये नहीं कहती कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, वो इतनी देर पहले आया वो इतनी देर बाद में आया, वो इतना हकदार नहीं, वो इसमें इतना शरीक है वो इतना शरीक है, कुछ नहीं बताएगी, सिर्फ कहेगी ये दोनों इसमें शरीक है, मुतलक, कोई कैद नहीं उसके अंदर, मुतलक बताएगी। अच्छा, वकील इन शाफियाई रहमतुल्लाह। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि कलाम के दरमियान में हमेशा अन्ना आता है, कलाम के शुरू में इन्ना आता है, ऐसी है? बोले भाई, याद है किसी को? इधर ही रहो। तो ये वकील है इन शाफी, ये तो दरमियान में है, ये इन्ना क्यों है फिर? ये गलत है उस्ताद जी, ये कलाम के शुरू में नहीं आना चाहिए।
ये अन्ना होना चाहिए, इन्ना क्यों है? अन्ना होना चाहिए, अन्ना होना चाहिए जी, अन्ना तो शुरू में आता है। अन्ना शाफी बताओ भाई, कौन बताएगा उस भाई, कोई भी भाई बता दे, वो इनाम का मुस्तहिक है वो भाई, ये मैंने बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं बता रहा। बोले नहीं मालूम उस्ताद जी, ये दरमियान वाला जुमला तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा जी चलो ठीक है, हम उसमें नहीं वक्त जाया करते। इन्ना इसलिए आया है कि मैंने एक कायदा ये बताया था जो मैंने आपको पहले बता दिया, शुरू में अन्ना आएगा, दरमियान में शुरू में इन्ना आएगा, दरमियान में अन्ना आएगा। यहाँ इन्ना इसलिए कि कायदा मैंने ये भी बताया था, काल यकूलू के बाद हमेशा इन्ना आएगा, काल यकूलू के बाद हमेशा क्या आएगा, इन्ना आएगा। काल यकूलू के बाब से कोई भी सीगा हो उसके बाद अगर आ गया तो वह इन्ना होगा। कहा गया बेशक शाफी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जालहु लितरतीब, इस वाव को सिर्फ जमा के लिए नहीं बनाया बल्कि तरतीब के लिए बनाया है। मतलब क्या है, जा ज़ैदुन व अमरुन, आया जैद और अमर। अब हमारे नजदीक तर्जमा यह होगा कि आने में दोनों शरीक हैं, जैद भी और अमर भी, कौन पहले है कौन बाद में है इसका कोई फैसला नहीं हो सकता, मुतलक जमा है ना, आने में दोनों मुतलक जमा है। इमाम शाफी कहते हैं तरतीब के लिए आता है, मतलब जा ज़ैदुन व अमरुन, मतलब पहले जैद आया व अमरुन, फिर क्या है, अमर आया है। वाला हादा औजब तरतीब, इसी वजह से उन्होंने तरतीब को वाजिब करार दे दिया, लाजिम करार दे दिया है। फी बाबिल वुजू, वुजू के बाब में क्या, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। वाव आ रहा है सबके दरमियान में, वो कहते हैं तरतीब वाजिब है। अरे बात समझ में, अरे भाई समझ में आ रही है बात जी, पहले चेहरा धोना फिर हाथ धोना फिर मसा करना फिर पांव धोना, ये तरतीब वाजिब है हमारे नजदीक, ये सुन्नत है। قال علماؤنا رحمه الله تعالى, हमारे उलमा यानी अहनाफ ने फरमाया, اذا قال لامراته, जब किसी ने अपनी बीवी से कहा, ان كلمت زيدا او عمرا او, नहीं ये वाव होना चाहिए, बात तो वाव की चल रही है जी, बात वाव की चल रही है, बात तो वाव की चल रही, फिर ओ क्यों लेकर आए, वाव है ये, औ अलिफ को हटा दो, मिटा दो, ठीक है। इन कलम थी जैदन व आमरन, अगर तूने बात की जैद से और आमर से, फांति तालिकुन, तो तुझे तलाक है। उसने आमर से बात की फिर जैद से तलाक बात की, तो अब उसको तलाक पड़ जाएगी। आ रही बात समझ में, पहले किसे बात की उसने, आमर से, बाद में उसने बात की जैद से, तो उसको क्या पड़ जाएगी, साजी तरतीब तो जैद और अमर है ना, तो तरतीब उल्टी नहीं हो, उल्टी हो, उल्टी हो गई, यानी पहले अमर से की फिर जैद से की। मुफ्ती साहब जी क्या फरमा रहे हैं, ये पहले तरतीब से उन्होंने कहा जैद अमर से जो ना बात की, तो ये पहले की है अमर से फिर जैद से, तो फिर तलाक नहीं हुई, तो ये, हाँ तो ये तो ये है कि तो तलाक पड़ जाएगी, आप फरमा रहे हैं तलाक तो होगी, क्यों नहीं हुई, मतलब क्या पहले जैद से बात करनी, अच्छा जी जैद और अमर बात सुने जी, बोला उसने ये पहले जैद बोला फिर अमर बोला, लेकिन उसने अमल उल्टी किया, पहले अमर से बात की फिर जैद से बात की, तो भी तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब के नजदीक तो नहीं पड़ेगी, हाँ जी मेरी बात, हाँ हम अपनी बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो क्या पड़ जाएगी उनके नजदीक,
तलाक पड़ जाएगी, तलाक पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? जी जी बिल्कुल, लेकिन इमाम शाफी के नजदीक नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तरतीब नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नहीं पड़ेगी ना? जी जी क्यों? तरतीब नहीं है। जी जी हमारे नजदीक तरतीब के लिए आता ही नहीं है, वो सिर्फ मुतलकन जमा करने के लिए आता है। ठीक है जी। वलो قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار, तो इस घर में दाखिल हुई और इसमें, तो तू ये तलाक है। वो दूसरे में पहले दाखिल हो गई फिर अब पहले वाले में दाखिल हुई तो भी पड़ जाएगी क्योंकि तरतीब जरूरी नहीं है। जिसमें मर्जी दाखिल हो गई वो पहले, जिस मर्जी में बाद में दाखिल हुई, तलाक हर हाल में पड़ जाएगी, इमाम शाफी के नजदीक नहीं पड़ेगी। قال محمد رحمه الله تعالى, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قال, جب اس نے کہا ان دخلت الدار وانت طالق, اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو تو یہ طلاق ہے, وانت طالق بولا اس نے اور تجھے طلاق ہے, تو اس کو فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ فوراً کیا پڑ جائے گی؟ اس نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تجھے طلاق, تو فوراً ہی اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ واو جمع کرنے معنی, واو کس کے معنی کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے نا, ترتیب کے لیے نہیں, جمع کے لیے۔ جمع کے لیے اگر ترتیب کے لیے آتا تو پھر طلاق پڑنا یہ موقوف ہوتا کس پر؟ گھر میں داخل ہونے پر۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی پہلے گھر میں داخل ہوتی پھر اس کو طلاق پڑتی۔ اچھا جی, یہ مسئلہ متفق علیہ ہے ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک بھی۔ تو ہم اس سے دلیل بلکہ پکڑ رہے ہیں کہ بھائی اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو یہاں فوراً طلاق نہیں پڑنی چاہیے تھی, یہاں تو تمہارے نزدیک بھی فوراً پڑ جاتی ہے, یہ واو جمع کرنے کے لیے ہے, لہٰذا یہاں طلاق پڑ رہی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا بلکہ مطلق جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لَا تَنْجِيزًا, یہ تعلیق ہو جاتی نہ کہ تنجیز۔ تعلیق کہتے ہیں کسی پر کسی چیز کو معلق کر دینا, اگر فلاں کام کیا تو تجھے, اب وہ تجھے طلاق, اب وہ طلاق فلاں کام کرنے پر معلق ہو گئی, لٹک گئی۔ اور تنجیز کا معنی ہوتا ہے فوراً نافذ ہو جانا۔ بس اتنا کافی ہے؟ واو کے ابھی ایک ہی معنی بتایا, ابھی اور بھی بہت سارے بتائیں گے مفتی صاحب۔ اچھا استاد جی, تنجیز کا کیا معنی؟ فوراً نافذ ہو جانا۔ فوراً, ٹھیک ہے جی۔ چلے تین منٹ رہ گئے, مولانا صاحب سے پڑھ لیں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کے بعد میٹنگ اینڈ کر دیجیے گا۔ انوش بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا حال ہے آپ کا؟ جی مدنی بھائی ٹھیک ہیں سارے؟ مدنی منی ٹھیک ہے. کل کا سبق یاد ہوا جی آپ کو؟ کیوں جی ڈاکٹر جمیل صاحب؟ جی یاد ہے. ڈاکٹر عارف صاحب آپ کو بھی یاد ہے؟ جی آج آپ کی حاضری کم ہے جی، کیا وجہ؟ میرے خیال میں تو مسئلہ ہے سب کا آج. استاد جی میں تو بیمار ہوں. کیا ہوا؟ آج سب نے ویڈیو انجوائے کیا ہے. نزلہ ہے استاد جی. کون سا ویڈیو؟ ہاں سائنسائٹس ہے اور زکام ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتفقد الطیر فقال مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. وتفقد الطير، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندے کو گم پایا. فقال مالی لا ارى، فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھتا. الهدهد ہدہد کو، ام كان من الغائبين، یا وہ غائبین میں سے ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد کی یہ ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ وہ پانی کو تلاش کرے گا، جہاں پہ ہم ٹھہریں گے پانی کو تلاش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر میں ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ وہ زمین کی طرف نگاہ ڈال کے پہچان لیتا ہے کہ پانی کہاں پہ کتنا گہرا موجود ہے. پھر جنات اس کو کھودتے اور وہاں سے کنویں کی صورت میں پانی کو نکال لیتے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ نکلے تھے بیت المقدس کی تعمیر کی، اللہ کے حکم سے وہاں سے فراغت حاصل کی، مکہ المکرمہ تشریف لائے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ میں کچھ ایام ٹھہرے جتنا اللہ کو منظور تھا، اور یہاں ٹھہرے اور اپنی قوم کو اپنے ساتھیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کہ یہ نبی آخر الزماں عربی نبی کی قیام گاہ ہوگا. اور وہ عربی نبی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیبت ایک ماہ کی مسافت تک دشمن موجود ہوگا تب اس کے دل میں ڈالی ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامات ذکر فرمائی. یہاں جتنی دیر ٹھہرے رہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت روزانہ 5000 اونٹیاں، 5000 گائے، 20000 دمبے ذبح کیا کرتے تھے. لشکر بہت بڑا تھا تو ان کے کھانے کا انتظام بھی حضرت نے فرمایا. پرندے حضرت پہ سایہ کرتے تھے. تفسیر مظہری میں ہے کہ ایک جگہ سے حضرت کو دھوپ کی کچھ کرن پڑی تو حضرت نے اوپر دیکھا تو ہدہد نہیں ہے. اور وہاں سے حضرت کا تخت جب مکہ سے اڑا ہے تو یہ صنعاء کی طرف آیا، یمن کی طرف. یہ ایک ماہ کی مسافت تھی. زوال کے وقت حضرت کا تخت وہاں پہ پہنچا. نماز کا ٹائم تھا، حضرت نے وضو کرنا چاہا، پانی کی تلاش کے لیے ہدہد کو دیکھا تو ہدہد نہیں ہے. اس کا یہاں ذکر ہے، تفقد الطیرہ،
حضرت نے پرندے کو گم پایا. فقال مالی لا ارا. تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی اس آیت مبارکہ سے کہ جو سربراہ ہو ادارے کا، گھر کا، کلاس کا، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں پہ نظر رکھے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رکھی ہے، نگرانی کی، حاضر کون ہے، غیر حاضر کون ہے. تو ان کی خیر خبر رکھنا اپنے ماتحت کی یہ سنت انبیاء ہے. وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الہدہد. تو فرمایا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ بندے کو پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت نے پہلے اپنی طرف بات کو متوجہ فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا، مالی لا ارا، میں نہیں دیکھ رہا، شاید میری نظر میں کوئی خطا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا. تو جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. پیغمبر نے یہ سنت جاری فرمائی ہے، اپنی طرف دیکھیں کہیں میرے اندر تو کوئی کمی نہیں. ہمیشہ دوسروں کی کمی کوتاہیاں نہیں دیکھنی چاہیے، کبھی تنقیدی نظر خود پہ بھی ڈالنی چاہیے. اور پھر فرمایا ام کان من الغائبین. ام بمانہ بل ہے یہاں پہ، اور بل ما قبل کے کلام سے اعراض کرنے کے لیے آتا ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ وہ غائبین میں سے ہے، یعنی میری نظر نے خطا نہیں کی، میں نے اپنا محاسبہ کر لیا، لیکن جب میں نظر گھمائی اور واقعتاً ہدہد یہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر نے خطا نہیں کی. محاسبہ حضرت نے پہلے اپنا ہی فرمایا، لیکن جب اپنے محاسبے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں خطا پر نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو پھر فرمایا کان من الغائبین، وہ غائبین میں سے ہے. تو اجازت لیے بغیر کلاس سے جانا نہیں چاہیے، اجازت لیے بغیر چھٹی کرنی نہیں چاہیے. وگرنہ کیا ہوتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے ضرور بھی ضرور سخت سزا دوں گا. اولا اصبحنہ، یا میں اسے ذبح کروں گا. اولا یأتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ میرے پاس کوئی سری دلیل لے کر آئے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، یہ قسم ہے ایک طرح کی کہ میں اسے ضرور بھی ضرور، چونکہ تاکید ہے، لام بھی تاکید، نون بھی تاکید، میں ضرور بھی ضرور سخت سزا دوں گا. تو معلوم ہوا کہ اگر شاگرد غیر حاضر ہو، استاد کو مناسب سزا دینے کی اجازت ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہے، حاکم کو اجازت ہے کہ وہ رعایا میں سے جب کوئی جرم کرے تو اسے سزا دے، تعزیر میں سزا دی جا سکتی ہے. تو حضرت نے سزا دی ہے، وہ مناسب سزا کیا تھی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں مفسرین کرام نے لکھی، لیکن وہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، متعین بات نہیں ہے. اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو مثلاً کے ذریعے سے بیان کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر پر اکھاڑنا، قید میں ڈال دینا، اپنے ہم جنس پرندے سے اس کو الگ کر دینا، تو اس طرح کی کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے. جو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کوئی ایک سزا دینے کا ارادہ فرمایا. اولا اصبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا. یہ جو قسم ہے اس کا تعلق صرف ان دو چیزوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ دو فعل حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. تیسرا فعل تو ہدہد کا ہے، اولا یأتینی بسلطان مبین، یا کہ وہ لے کے آئے میرے پاس کوئی مضبوط دلیل، سری دلیل لے کر آئے. وہ اپنا کوئی عذر پیش کر دے تو پھر اس عذر کی وجہ سے اسے معافی مل سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی سے غلطی ہو تو اسے عذر بیان کرنے کا موقع دینا چاہیے، پھر اگر عذر اس کا معقول ہو تو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے، نماز میں کوئی غیر حاضر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے.
امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاکم ہونے کے باوجود اپنی رعایا کی نگرانی کرنا، کون بھوکا ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کو میری ضرورت ہے، یہ تو معروف و مشہور ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے واقعات. باقی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جانور ایسے ہوں جن کو سکھایا جاتا ہے، جیسے کتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے سدھارا جاتا ہے، باز ہے اسے شکار کرنے کے لیے سدھارا جاتا ہے، تو جن جانوروں کو کسی کام کے لیے، مخصوص کام کے لیے سدھارا جائے اور اس میں یہ قابلیت اور صلاحیت ہو، تو انہیں کبھی بطور سزا کے اگر کوئی تادیباً مارتا ہے تو وہ مارنا بھی جائز ہے، وہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے. اور اگر کسی جانور سے تکلیف ہو تو اسے قتل کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ قسم اٹھائی ہے، اولا ازبحنہو، میں اسے ذبح کر دوں گا، تو معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے. باقی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پرندہ ہدہد جو حضرت کے لیے پانی تلاش کیا کرتا تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسا ہے کہ زمین میں پانی تو دیکھ لیتا ہے، شکاری اس کے لیے جال بچھاتے وہ جال تو اسے نظر نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی تو تقدیر ہے، تقدیر جو ہے یہ تدبیر پر غالب آ جاتی ہے. جب کسی کا گرفتار ہونا مقدر ہوتا ہے تو اسے اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اسے نظر نہیں آتا، تو یہی تو تقدیر ہے. تو تقدیر والے مسئلہ کو یہ چیز واضح کرتی ہے. اب یہ پرندہ چونکہ حضرت کے تو ساتھ ساتھ تھا، اور پھر حضرت کا جب تخت وہاں سے اڑا ہے اور سنائے یمن تک پہنچا ہے، تو یہ ملکہ سبا ہے، یہ یہیں کی یمن کی حاکم تھی. جو سبا ہے یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں سبا کے بارے میں پوچھا گیا، تفسیر مظہری میں بھی ہے، دیگر تفاسیر میں بھی اس کو نقل کیا گیا، معرف القرآن میں بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے. چھ بھائی تھے، ان چھ بھائیوں میں سے چار ایک طرف ہو گئے، دو ایک طرف ہو گئے. تو وہ اس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ سبا ایک شخص کا نام ہے. بہرحال یہ پرندہ وہاں سے نکلا ہے، اڑا، اور پھر اسے ایک دوسرا پرندہ ملا جو اسی کی نسل کا تھا، ہدہد. اس کا نام جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اس کا نام مفسرین کرام نے نقل کیا کہ اس کا نام یعفور تھا، یعفور ہدہد کا نام. اور اسی کے انفیر نام کا دوسرا ہدہد ملا، یہ اس ملکہ بلقیس جو تھی یہ اس کا ہدہد تھا، اس کے علاقے کا. دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی جب حضرت کا تخت یمن کی طرف آیا ہے، سنائے یمن میں آپس میں گپ شپ لگائی دونوں نے، اور یعفور نے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کے بارے میں بتلایا، میں فلاں بادشاہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدہد ہوں، ان کے لشکر میں میں شامل ہوں، ان کی بادشاہت ایسی 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 ہے. تو اس نے انفیر نے بھی بتلایا، اس نے بھی بتلایا کہ جس کی حکومت میں میں رہتا ہوں وہ بھی کم بادشاہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی بڑی حکومت ہے، بڑی فوجیں ہیں اس کے پاس، اور اس کا 12,000 جرنیل ہیں، اس کے ہر ایک جرنیل کے نیچے 1,00,000 کی فوج ہے، اتنا بڑا لاؤ لشکر ہے اس کا. چلواؤ میں آپ کو اس کی حکومت دکھلاتا ہوں. پھر اس کی حکومت دیکھنے کے لیے یہ یعفور گیا وہاں پہ، یہ ہدہد. اور اس نے جو کچھ پھر وہاں دیکھا وہ آ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا. اللہ نے فرمایا کہ فمکث غیر بعید، وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا. تھوڑی دیر اس لیے ٹھہرا کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گم پایا تو پرندوں کی سربراہی تھی عقاب کے پاس، شاہین کے پاس، اس کو بھیجا ڈھونڈو بھی کہاں پہ. یہ بھاگا بھاگا گیا اور دیکھا ہدہد تو وہاں پہ ہے، دوسری کی سلطنت میں، بلقیس کی سلطنت میں. تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، ہدہد بھی سمجھ گیا کہ جتنی سپیڈ سے یہ آ رہا ہے کوئی نہ کوئی بری خبر ہی ہوگی. اس نے اس کو اللہ کی قسم دی کہ تجھے اللہ کی قسم ہو کچھ ایسا میرے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. تو اس نے کہا کہ تو مجھے قسم دے رہا ہے، ادھر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے لیے قسم اٹھا رکھی ہے کہ تجھے سزا دیں گے،
या तुझे ज़बह कर देंगे या तुझे सख्त सजा देंगे। तो फिर ये दोनों वहां से वापस पलटे, फमकसा गैर बाइदिन, थोड़ी देरी ठहरे थे। तो जब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, फ़क़ाल अहत बिमा लम तुहित बिही, उसने कहा कि हज़रत, हुदहुद ने कहा कि मैं ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं है। सूरत का मौजू था कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के गैर के पास नहीं है। और यहाँ हुदहुद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को कह रहा है कि हज़रत, मैं वो खबर लाया हूँ जो आपके पास नहीं है। आपके पास वो खबर नहीं है जो मैं लाया हूँ, आपके पास आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, नबी भी आलिमुल गैब नहीं है। बाकी छोटे का बड़े को ये कहना कि मेरे पास ऐसा इल्म है जो तेरे पास नहीं, ये बात है तो खिलाफ़ अदब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताओ वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसको मुसलमान से तशबीह दी जाएगी, तशबीह दी गई है, यह फवायद में वो मोमिन की तरह है, इस तरह का सवाल है बुखारी शरीफ में। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर मजलिस में मौजूद थे, सैयदना सिद्दीक अकबर भी, सैयदना फारूक आजम भी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि मेरे फौरी जहन में आ गया कि यह दरख्त खजूर का है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस जब ख़त्म हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फिर बतलाया कि खजूर का दरख्त है। तो बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे कि मैंने अपने अब्बा जान से कहा कि अल्लाह की कसम मुझे ये जवाब मालूम था, लेकिन मैंने आपके हया की वजह से नहीं बतलाया कि मेरे अब्बा जान इस मजलिस में हैं, सिद्दीक अकबर जैसे बड़े हजरत यहाँ मौजूद हैं, मैं छोटा होकर जवाब दूंगा तो ये खिलाफ अदब है, तो मैं खामोश रहा। तो फारूक आजम ने फरमाया कि बेटे, अगर तू उस मजलिस में बोल पड़ता तो सुर्ख ऊंटों से ज़्यादा मुझे ये महबूब था। लाजमी बात है कि बेटे को कुछ शर्फ मिले तो बाप को तो खुशी होती है, लेकिन बेटे ने अपने बाप का अदब किया और बाप को ये अजीज़ था कि मेरा बेटा कुछ इजहार कर देता तो मुझे फख्र होता, मुझे इस पे खुशी होती कि मेरे बेटे के पास यह इल्म है। बहरहाल माँ बाप चूँकि औलाद के साथ मुखलिस होते हैं तो बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करे। तो हज़रत थानवी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि हुदहुद ने छोटा होकर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बात की कि मैं वो खबर लाया हूँ जो आपके पास नहीं है, तो ये इस वजह से है कि यहाँ इसको सज़ा मिलनी थी। इसने उज़र के तौर पर ये बात सामने रखी है। उज़र जब हो तो फिर छोटा बड़े के सामने अपने इल्म को जाहिर कर सकता है, वगरना तो सज़ा मिलेगी, सज़ा से ज़रूरी है। इसलिए हुदहुद ने अपने इल्म को जाहिर किया कि हज़रत मेरे पास ऐसी ख़बर है जो आपके पास नहीं है। इससे सूरत का मुद्दा भी साबित हो गया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, कोई बड़े से बड़ा भी हो तो उसका इल्म मुहीत नहीं हो सकता। इल्म बड़ा हो सकता है लेकिन वो इल्म मुहीत नहीं हो सकता कि हर चीज़ का इहाता कर ले। इल्म मुहीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आलिया का है। वजीतुका मिन सबा बिनबा यकीन, और आपके पास मुल्क सबा की एक यकीनी खबर लाया हूँ। ये सबा तो शख्स का नाम हो गया, और यहाँ की जो हुकूमत करने वाली औरत थी इसका नाम था बिल्कीस, बिल्कीस बिन शराहील। बाज़ ने शराह नाम जिक्र किया, बाज़ ने शराहील नाम जिक्र किया। इसके अबाओ अजदाद, इसका जो दादा था उसके 40 बेटे थे और वो 40 बेटे ही बादशाह बने। आखिरी बेटा उसका ये शराहील है। इसके आगे औलाद मुजक्कर औलाद नहीं थी, सिर्फ बेटी थी। तो वो भी इस तरह से कहते, इसने शादी की एक जिन्निया औरत से। जिन्निया औरत से इसलिए शादी की कि मेरे कफ में मेरे बराबरी की कोई औरत इंसानों में नहीं है, वो इंसानों को दूसरों को हकीर समझता था। एक जिन्निया औरत से इसने शादी की। जिन्निया औरत से शादी करना जायज़ है या नाजायज़ है, इसके बारे में मुहक्किकीन के दो कौल हैं। बाज़ने का जायज़, बाज़ने का गैर जिन्स में शादी करना जायज़ नहीं है। बहरहाल ये तो चूंकि मुसलमान ही नहीं है तो इसका जो अमल है वो कोई दलील और हुज्जत तो नहीं है, लेकिन ये है कि शादी इसने की एक जिन्निया औरत से, उसी से ये औरत पैदा हुई बिल्कीस। औरत बच्चा चूंकि बाप के ताबे होता है तो ये जिन्निया नहीं थी, ये जिन्निया नहीं थी, लेकिन पैदा जिन्निया औरत से हुई। फिर उस जिन्निया औरत के नाम के बारे में इख्तलाफ है, बाज़ ने मलामा जिक्र किया, बाज़ ने और नाम भी जिक्र किए। तो बहर मुख्तसर ये कि इसने जिन्निया औरत से शादी की, फिर ये जब बाप फौत हुआ, शराहील फौत हुआ, तो उसके बाद फिर हुकूमत में तफरीक पड़ गई। ये यमन की हुकूमत दो हिस्सों में बट गई, एक पे एक और बादशाह ने कब्जा कर लिया,
اور شخص بادشاہ بن بیٹھا ان کی نسل کسی الگ اور دوسرے ایک حصے پر یہ قابض تھی عورت بلقیس. دوسرا جو ظالم بادشاہ تھا اس کا ظلم اس طرح سے ظاہر ہوا کہ وہ عورتوں پر بڑا ظلم کرتا تھا, ان سے بدکاری کرنا, زیادتی کرنا اور دیگر معاملات میں بھی اس کا معاملہ انصاف والا نہیں تھا, لوگ اس سے تنگ تھے, لیکن اس کو کوئی معزول بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی طاقت بڑی تھی. تو اس نے بلقیس نے پھر اسے نکاح کا پیغام بھیجا, اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ نکاح کر لو. وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کہ میں تو آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے والا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس سے نکاح کرے گی, ہماری تو سلطنت آپس میں حکومت کی وجہ سے مخالفت ہے, آدھی حکومت پہ قبضہ تیرا آدھی پہ میرا. اس نے کہا کہ میں نے صرف اس لیے نکاح کر رہی ہوں تاکہ حکومت ایک ہو جائے, ہماری طاقت ایک ہو جائے. تو وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا کہ میرے لوگ تو اس پہ یقین نہیں کریں گے, میرے وزرا. اس نے کہا بھی تقریب رکھو, میں اس میں خدا کے اعلان کروں گی کہ میں بادشاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تقریب رکھی, نکاح ہوا سب کے سامنے, یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لاؤ لشکر ساتھ لے کر گئی اپنے شوہر کے گھر. رات کو اسے خوب شراب پلائی, جب وہ شراب میں ٹن ہوا اس نے اس کی گردن کاٹی اور باہر لٹکا دی, اور حکومت اس کی حکومت پر بھی قابض ہو گئی. سارا ملک ایک ہوا, لیکن یوں ہوا کہ اس کو قتل کر دیا اس نے. اس کے بعد پھر ساری حکومت اسی کی بن گئی. تو بہرحال عورت کی چال سے بچنا چاہیے, معصوم مرد بیچارے بڑی جلدی جال میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بادشاہت کے بارے میں آ کے بتلایا سارا, بڑی لمبی چوڑی اس کی بادشاہت ہے, بہت بڑا اس کا تخت ہے, اس پہ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس کا جناب اس کا 30 ہاتھ چوڑا 30 ہاتھ لمبا 30 بائی 30, ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا, یا 1.5 فٹ یہ میرے خیال ایک گز شمار کیا جاتا ہے ایک ہاتھ کو, یہ اگر انگلیوں سے بغل تک رکھیں تو ایک گز ہو جائے گا تقریباً. بس 30, تفسیر میں تو 30 ہاتھ لکھا ہوا, 30 ہاتھ چوڑا 30 ہاتھ لمبا, اور دوسرا قول ہے 40 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ لمبا, اتنا بڑا اس کا تخت تھا. اور ایک بہت بڑا محل تھا اس کا, جس محل کے اندر 7 بڑے بڑے کمرے تھے اور اس میں تقریباً 600 عورتیں تھیں جو اس کی نوکرانیاں تھیں. پھر وہ محل کے 360 تاکچے مشرق کی طرف, 360 تاکچے مغرب کی طرف تھے. جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی ایک تاکچے سے جب آتی تو سجدہ کرتی, اس کے پوچھتی تھی سورج کے پجاری ہیں جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے, تو جب روشنی پر نکلتی اس روشن دان سے اندر آتی تو یہ اس پر سجدہ کرتی تھی. تو یہ خبریں ساری لے کر آیا بادشاہت کے متعلق. فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأۃ, اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت پائی ہے, تملکہم, جو ان پر بادشاہت کرتی ہے. عورت کی بادشاہت جائز ہے یہ نہیں, صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جن کی حکومت عورت کے سپرد ہو, وہ کامیاب نہیں ہوگی قوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء مردوں میں آئے, اور انبیاء کے ورثہ اور جانشین جو بنے وہ بھی مرد ہی بنے. حکومت, قیادت, سیادت اللہ نے مرد کے ذمہ رکھی ہے. الرجال قوامون علی النساء وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور وہ ہر چیز اسے دے دی گئی ہے. ابھی ہم پہلے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس سے پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں, جس میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, مجھے ہر چیز دے دی گئی. یہاں ہدہد کہہ رہا ہے کہ حضرت وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اسے ہر چیز دے دی گئی ہے. مفسرین کرام نے ایک فرق تو یہ کیا کہ یہاں مراد صرف دنیاوی چیزیں ہیں, کہ اسے دنیاوی سارا ساز و سامان دے دیا گیا, اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اوتینا من کل شئین, وہاں دین اور دنیا دونوں مراد ہیں. اور دوسرا یہ کہ اوتینا جو حضرت نے فرمایا کہ اوتینا من کل شئین, وہاں ان کی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں انہیں دے دی گئیں, اور یہاں اس کی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے جو اسباب ضروری تھے وہ سب اس کے پاس بھی مہیا تھے, اس لیے فرمایا وہ اوتیت من کل شئین وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کے لیے بہت بڑا عرش ہے, بہت بڑا تخت ہے. اس تخت کے بارے میں نے کچھ عرض کر دیا.
कि उसके पास कितना बड़ा तख्त है। वजदतुहा व कौमहा, मैंने उस औरत को पाया और उसकी कौम को पाया, यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह के सिवा, व ज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया, फसद्दहुम अनिस्सबील, और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया, फहुम ला यहतदून, वो हिदायत नहीं पाते। मालूम हुआ कि परिंदे को इतना शऊर है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ये शऊर दिया कि वो हक और बातिल को, गलत और सही को समझ सकता है। परिंदे को अल्लाह ताला ने मारफत हक नसीब फरमाई। अल्लाह यस्जुदु अनला अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युख़रिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ी, वो अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को निकालता है। हुदहुद चूंकि जमीन को करीद कर जमीन से कीड़े मकोड़े निकाल के खाता है, तो इसलिए इसने अपने हिसाब से अल्लाह की सिफत वही जिक्र की जो इसके लिए मुफीद है, जो इसके काम की है। युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ी व यालू मा तुफून व मा तुलिरून, बाकी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जमीन की पोशीदा और आसमान की पोशीदा चीजों को निकालने का मतलब आसमान से बारिश का बरसना, वो पोशीदा थी, नजर नहीं आ रही, फिर बरस रही है, जमीन पे वो पानी पड़ता है, फिर जमीन से वो चीजें निकलती हैं जो जमीन से नजर नहीं आ रही, वो खेतियां हैं, वो फल और फूल हैं, वो रंग बिरंगी चीजें हैं, वो सारी जमीन से निकलती हैं। वो यालम मा तुखफून व मा तुलिनून, अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं मगर वही, रब्बुल अर्शिल अजीम, अर्श अजीम का रब है। अभी हुदहुद ने कहा कि उस औरत का तख्त बड़ा अजीम है, अर्श अजीम है उसके लिए, वलहा अर्शुन अजीम, और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए भी यही हुदहुद कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के भी रब्बुल अर्शिल अजीम, अल्लाह भी अर्श अजीम का रब है। तो मौलाना औरत के लिए जो वलहा अर्शुन अजीम कहा गया, वो उसके हम असर बाकी बादशाहों के मुकाबले में कहा गया, बहुत बड़ा अर्श है उसका, बहुत बड़ा तख्त है दीगर बादशाहों की बनिस्बत। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो रब फरमाया गया कि रब्बुल अर्शिल अजीम, ये तमाम बादशाहों के मुकाबले में कहा गया, जमीन पर जितने भी बादशाह हैं उन सब के मुकाबला में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श बहुत बड़ा है, अर्श अजीम है। तो फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सनंजुरु असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन, हम अनकरीब देखेंगे असदक्ता, क्या तूने सच कहा, अम कुंता मिनल काज़िबीन, क्या तू झूठों में से है। एक बात तो ये मालूम हुई कि बगैर तहकीक के किसी को सजा नहीं देनी चाहिए, जब किसी पर इल्ज़ाम हो तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, जब कोई सफाई दे तो उस सफाई की और गवाही की भी तहकीक करनी चाहिए, इल्ज़ाम की भी तहकीक करनी चाहिए। अब यहाँ तो हुदहुद ने अपनी सफाई पेश की है, तो उस सफाई के बारे में हज़रत फरमा रहे हैं कि हम देखेंगे असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन, तो गवाहों की जाँच, गवाहों की भी परख होनी चाहिए, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ताकि मामला वाजी हो और फैसला हक और इंसाफ वाला हो, किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। दूसरी बात ये मालूम होगी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं, क्योंकि आलिमुल गैब वो इंतज़ार नहीं करता, वो ये नहीं कहता सनन जरू हम अभी देखेंगे, आलिमुल गैब को तो फौरी पता है कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है और बातिल क्या है। आलिमुल गैब के लिए तो वो तो इंतजार नहीं करता, इसलिए हजरत ने ये जो फरमाया सनन जरू सीन मुस्तकबिल करीब के माना में कर देती है मुजारे को, आपने पढ़ा है सनन जरू अन करीब हम देखेंगे, अन करीब हम देखेंगे मतलब अभी मालूम नहीं है। सनन जरू असदक्त अमकुंत मिनल काज़िबीन, इज़हब बि किताबी, फरमाए कि ले जो मेरे खत को, इज़हब बि किताबी हाजा फअल्क़िह इलैहिम, ये खत उनकी तरफ डाल दो। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खतो किताबत के ज़रिए पैगाम भेजा है इस मलके बिल्किस की तरफ अपना, इज़हब बि किताबी, और ये इस जानवर के ज़रिए से काम लिया जा रहा है। खत लिखना भी जायज़ है, जानवर के ज़रिए पैगाम रिसानी भी साबित है। अब तक, अब से कुछ अर्सा पहले तक
कबूतर के जरिए से पैगाम रिसानी का काम लिया जाता रहा। फअल्क़ उसे डाल दो, इलैहिम उनकी तरफ, ये फिर गया है और ख़त लेकर गया सैयदना सुलेमान अलैहि सलाम का, जिसका जिक्र आगे आ रहा है। और हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने ख़त भी दिया और साथ ये भी फरमाया, सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर तो उनसे पीछे हट जा। अदब यह है कि जब आप किसी को किसी का लिखा हुआ रुका दें, पैगाम दें, ख़त दें, फिर उसके सर पर न खड़े रहें बल्कि साइड पे हो जाएं, क्योंकि वो पैगाम जब वो सर ब मोहर है तो वो राज है, आप राज पर मुतले ना हों किसी के। तो हज़रत ने सिर्फ ख़त ही नहीं दिया, ख़त के साथ अदब भी सिखाया। तो जो सरबरा हो उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने माताहत के अखलाक भी संवारे और उन्हें आदाब भी सिखाए। जब किसी काम के लिए भेजे तो उस काम के मुतल्लिक जो आदाब हैं वो उन्हें सिखाए, बताए। बताने के बाद कोई गलती करता है तो फिर वो काबिले मुआख़ज़ा है, और अगर आप बताएं ही ना, सिखाएं ही ना बच्चों को अदब और फिर बेचारे वो गलती करें तो आप खामखा डांटें, आपको अकल नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो आपको सिखाना तो चाहिए था ना, सिखाया नहीं और फिर वो गलती करते हैं तो मुजरिम भी नहीं है। तो हजरत ने सिखाया है, सुम्मा तवल्ला अन्हुम, एराज कीजिए, हटके खड़े हों, फंजुर माजा यरजुउन, फिर देखना वो क्या बातचीत करते हैं, मतलब वो क्या जवाब देते हैं, फिर वो जवाब लेकर आना। तो ये हुदहुद गया है, दरवाजे बंद हैं, मलका बिल्किस तो अपने कमरे में लॉक करके वो आराम कर रही है। ये दाखिल हुआ किसी सोराख से और अंदर उस रोशनदान में बैठा जहाँ से धूप अंदर आती थी और वह सजदा करती थी धूप को देखकर, वहीं पे इसने अपने पर फैलाए, धूप भी रुक गई। और जब मलका उठी है तो ख़त उसके सीने पे इसने डाल दिया, उसने उसको पढ़ा और एक तो इसी बात से डर गई कि ये कैसे ख़त आया यहाँ से, जबकि यहाँ पहरेदार हैं और डालने वाला कौन है, परिंदा कहाँ से आ गया। तो ये एक अंदाज ही ऐसा था कि उस अंदाज से वो खौफजदा हुई। फिर जब उस खत को खोला और खत पे मोहर देखी और खत को खोला तो खत के मजमून ने उसे मजीद खौफजदा किया। कालत, उस औरत ने कहा, अय्युहल मलाऊ, ए सरदारो, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, बेशक मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो खत बड़ा करीम है। करीम का माना यहाँ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किया, सर ब मोहर, क्योंकि बादशाह उस खत को लेते थे, उस खत को इज्जत देते थे जिस पे मोहर लगी हो दूसरे बादशाह की, और जो खत मख्तूम ना हो उस खत की कोई अहमियत नहीं होती थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलातीन को खत लिखते थे दावत के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बतलाया गया कि या रसूलल्लाह, जो रूम के आजम के बादशाह हैं वो तब तक किसी खत को कोई अहमियत नहीं देते जब तक उस पर मोहर ना लगी हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी पर लिखवाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर वो मोहर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्तेमाल किया। तो करीम का माना सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने, वैसे तो करीम का माना होता है इज्जत वाला, तो हजरत ने तफसीर इसकी मख्तूम के साथ फरमाई है, सर ब मोहर। इन्नहु मिन सुलेमाना, ये खत का आगाज है। खत जब किसी को लिखें तो सबसे पहले अपना नाम लिखना सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक भी यही था। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम में से जब किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा तो उन्होंने भी इसी सुन्नत पर अमल किया। बाज़ हज़रात कहते हैं कि अदब यह है कि बड़ों को ख़त लिखो तो अपना नाम बाद में लिखो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ज़्यादा कोई अल्लाह के रसूल के अदब को जानने वाला नहीं है। उनसे ज़्यादा किसी ने अदब नहीं किया, उनसे ज़्यादा किसी ने मोहब्बत नहीं की, उनसे ज़्यादा किसी ने इताअत नहीं की। तो उन्होंने ख़त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा किसी सहाबी ने, तफसीर रूहुल मानी में है, तो उन्होंने अपना नाम ऊपर लिखा जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, लिहाजा उसी तरह लिखना मसनून रहेगा। इन्नहु मिन सुलेमान, लेकिन अगर किसी ने नीचे लिख दिया तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि वो जवाज हो सकता है, सुन्नत नहीं हो सकता। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और बेशक वो अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में लफ्ज़ अल्लाह का आना और रहमान और रहीम उसकी सिफात का आना, ये खुद एक मरऊब करने वाला जुमला है। कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाहि फहुव अक्ता, आपने पढ़ी है हदीस मुबारका की, जो कोई भी ज़ीशान काम है उसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के नाम से शुरू करो वगरना वो बेबरकता होगा। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से ख़त का आगाज़ किया, सुन्नत है,
جبکہ آپ کو اس بات کا اعتماد ہو کہ خط کی ناقدری نہیں ہوگی. خط میں قرآن پاک کی آیت کو لکھنا بھی جائز ہے جبکہ خط کی ناقدری کا یقین ہو. اگر یہ ہو جیسے آج کل اخبارات پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ رسائل پہ لکھا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناقدری ہوگی تو پھر اس سے بچنے کے لیے نہیں لکھنا چاہیے, ویسے پڑھ لے زبان سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان عربی نہیں تھی, یہ تو ملکہ جو بلقیس ہے اس کی زبان عربی تھی, یہ عرب میں تھی یمن میں. تو حضرت نے یا تو عربی ہی میں خط لکھا یا پھر کیونکہ حضرت کو جب پرندوں کی بولیاں آتی تھیں تو عربی کیوں نہیں آتی, عربی بھی آتی ہوگی لیکن حضرت کی اپنی زبان جو مادری زبان تھی ان کی یہ علاقائی زبان تھی وہ عربی نہیں تھی, تو پھر حضرت نے عربی ہی میں لکھا یا حضرت نے اپنی زبان میں لکھا اور قرآن پاک میں اس کو عربی میں نقل کیا گیا, تو یہ روایت بالمعنی پر دلیل بنے گی. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللَّهَ تَعْلُو, فرمائے سرکشی نہ کرو, علیہ مجھ پر, وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ, اور آؤ میرے پاس مسلمان بن کر. بس اتنا سا خط ہے, پیغمبر جامع معنی بات کرتے ہیں. مقولہ یہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو بادشاہ کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے, بڑے لمبے لمبے خطوط نہیں لکھتے, مختصر بات ہوتی ہے لیکن بڑی جاندار قسم کی ہوتی ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ایک جملہ جو لکھا ہے, اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین, میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ. تو یہ ایک مختصر سے جملے سے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت, ان کی طاقت, ان کی حکومت کی جو مادی اعتبار سے بھی طاقت تھی وہ بھی ظاہر ہوتی تھی, کیونکہ ایسی بات دھڑلے کی اور ایسی قوت والا کلام وہی کر سکتے جس کے پاس کوئی پاور ہو, طاقت ہو, اس سے بھی وہ مرعوب ہو گئی. قالت یا ایوہ الملأ, اس نے کہا, یہ چند کہتے ہیں ہم پڑھیں گے آگے بس. قالت, اس عورت نے کہا, ایوہ الملأ, اے سردارو, افتونی فی امری, میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو, میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو. معلوم ہوا کہ ان کا بھی شورائی نظام یا جمہوری نظام تھا جس کی وجہ سے باہم مشورے کے ساتھ اس کے ان کے معاملات حل ہوتے تھے. ما کنتو قاطعتن امرن, ما کنتو فاصلتن, یہ فاصلتن اس کا فاصلتن کے معنی میں اس کو لیا گیا قاطعتن کو, کہ میں کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں کسی بھی کام کا, حتی تشہدون, یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو. تم میرے پاس موجود ہوتے ہو تو میں تمہاری نگرانی میں کوئی بات فیصلہ کرتی ہوں, اپنی مرضی سے سارے فیصلے نہیں کرتی ہوں. مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ 313 یا 313 سے کچھ زائد لوگ تھے جو اس کے دربار میں رہتے تھے, اور ہر ایک کے ساتھ پھر ہر ایک کے ساتھ 10,000 بندے تھے, یعنی 10,000 بندوں پر ایک بندہ نگران ہوتا تھا. وہ تو ایک بڑا لاؤ لشکر اور مرتب تھا. تو انہوں نے جواباً یہ کہا, قالوا نحن اولو قوۃٍ واولو بأس شدید, وہ کہنے لگے ہم تو طاقت والے ہیں, سخت لڑائی والے ہیں. والامر الیک, معاملہ تیرے سپرد ہے, فانظری, تو خود دیکھ, ماذا تأمرین, تو کیا ہمیں حکم کرتی ہو, تم کیا حکم کرتی ہو. ایک تو اس کا سادہ سادہ معنی یہی ہے جو ظاہر ہو رہا ہے آیت سے, کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں, ہم تیرے اشارے کے منتظر ہیں, جو فیصلہ کرو گے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. ایک طرح سے انہوں نے جنگ والی رائے دی کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, طاقت میں ہم کمزور تو نہیں ہیں, ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. دوسرا ایک ترجمہ معالم التنزیل میں یہ کیا, مدارک التنزیل میں, کہ انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوتن, ہم تو طاقت والے ہیں, وہ اولو بأس شدید, سخت لڑائی کرنے والے, مطلب ہم تو فوج ہیں, ہم فوجی ہیں, ہمارا کام جنگ کرنا ہے, ہمارا کام اس طرح کے مشورے دینا نہیں ہے, آپ مشورے سے اپنا کام کریے, جو آپ حکم کرے گی ہم تو وہ کرنے والے ہیں, ہم پاکستانی فوج نہیں ہیں جو حکومت میں مداخلت کرے, ہمارا کام تو لڑائی کرنا ہے, جنگ کرنا ہے, جب جس میدان میں اتارو گی ہم جنگ کریں گے, لڑائی کریں گے ہم, تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا حکم دینا ہے. فانظری ماذا تأمرین, یہ تو خود غور و فکر کر کے تو نے ہمیں حکم کیا دینا ہے. یہ ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا, یہ بھی بالکل الفاظ کے مطابق ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. تو اس نے جواباً کہا, قالت ان الملوک, کہ بے شک بادشاہ, اذا دخلوا قریۃ, جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, داخل ہونے سے مراد یہاں
فاتح ہے کہ جب وہ کسی بستی کو فتح کرتے ہیں افسدوہا تو اس بستی کو وہ خراب کرتے ہیں, رون دیتے ہیں, وجعلوا عزت اہلیہ اذلہ اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, وہاں کے جو امیر کبیر اور بادشاہ اور ٹائپ اور بڑے مالدار اور صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے ان پر ان کا ہاتھ پڑتا ہے فاتح قوم کا تو سب سے پہلے وہ انہیں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں تاکہ وہ دب جائیں, اور باقی غربا اور نیچے والے لوگوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صاحب اختیار لوگوں کو پکڑ کے ان کو رگڑا لگایا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, یعنی سلسلہ یوں ہی چلا آیا, اور یہ چونکہ اپنے آبا و اجداد سے بادشاہت ان کے اندر چلی آ رہی تھی تو اس نے اپنے پہلے والے بادشاہوں کو یوں ہی دیکھا کہ وہ یوں ہی کرتے تھے, اسی چیز کو اس نے آگے نقل کیا کہ دیکھ لو بادشاہ جو ہوتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں. چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خط سے اور ان کے پیغام سے یہ مرعوب ہو چکی تھی تو اس نے دانش مندانہ فیصلہ کیا کہ لڑائی نہیں کرنی, پہلے کچھ اور ترکیب اختیار کرتے ہیں جسے ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, مد مقابل کو پہلے تول لینا چاہیے پھر اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے. یک دم سے ہی ان کی قوت اور طاقت کو تولے بغیر بندہ حملہ کرتا ہے تو خطا کھاتا ہے, تو اس نے یہ دانش مندانہ فیصلہ کیا کہ میں یوں ہی ہم حملہ تو نہیں کریں گے, آپ کی رائے جنگ والی ہے تو یہ جنگ والی رائے سے میں متفق نہیں ہوں, میری رائے یہ ہے کہ ہم پہلے ان کو تول لیں کہ وہ ان کا وزن کتنا ہے, طاقت کتنی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, میں ان کی طرف ہدیہ بھیجنے والی ہوں, فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے لوگ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. پھر اس نے ہدیہ بھیجا, 500 غلام, 9 جوان لڑکے, 500 خوبصورت لڑکیاں زیورات سے آراستہ کیا, بطور باندھیاں کے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے, 1000 سونے کی اینٹیں, 500 گھوڑے, 500 خچر اور اسی طرح ریشم کے لباس, یہ بہت سارا سامان اس نے بطور ہدیہ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا, اور یہ سوچ کر بھیجا کہ اگر تو ہوا بادشاہ قبول کر لے گا, اگر ہوا نبی تو وہ اپنا دین قبول کرنے سے کم کم کسی بات پہ راضی نہیں ہوگا, اس کا ایک ہی مطالبہ ہوگا, مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے, مجھے آپ کی اطاعت چاہیے, دین قبول کرو میرا. اور بادشاہ ہوا تو بادشاہ تو ہدیہ لے لیتے ہیں, لہٰذا وہ ہدیہ لے لے گا تو پھر مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی. تو میں دیکھوں وہ پیغام کیا لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمان, تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, بس یہاں تک, آگے پھر مضمون دوسرا پھر انشاءاللہ اس کو رکوع تک پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, اتنا کافی ہے, کل انشاءاللہ ڈیڑھ رکوع رہ جائے گا تو ڈیڑھ رکوع کل پڑھ لیں گے اس کا, 19 پارے مکمل. جی جی حضرت مولانا ڈاکٹر جمیل کفایت اللہ, جی استاد جی, طبیعت ٹھیک ہو گئی یا ابھی ہے اسی طرح؟ ابھی تھوڑا سا گزارا ہو گیا. ڈاکٹر عارف صاحب سے رابطہ کرے نا, وہ تو استاد جی کچھ دوائی نہیں ایڈوائز کر رہے, میں خود ہائیڈرالین سیرپ پی رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا, چلیں جی. اور باقی سب ساتھی ٹھیک ہیں؟ مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ مصطفیٰ عوان, آپ کی طبیعت بھی خراب ہی رہتی ہے نا بھائی؟ جی سر جی, بس نزلہ زکام ہے بھی. چلو اچھا, تو دوائی وغیرہ نہیں لی آپ نے؟ نہیں, اب آج ہی ہوا ہے تو پھر وہ جمعے کے اس میں لگ گئے تو بس خیال نہیں آیا. اچھا, اصل دو تین دن سے موسم بدلا ہے نا جی, تو اس کی وجہ سے وہ. جی جی استاد جی, آپ کا شوگر کنٹرول ہے؟ بس چیک نہیں میں نے کروایا دوبارہ, ایک بار چیک کروایا تھا تو تقریباً 190-192 تھی کھانا کھانے کے بعد. ڈاکٹر عارف صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہے, تو دوائی میں انہیں سے لے رہا ہوں, اس لیے پھر ان سے مشورہ کرتے رہتا ہوں. لیکن بار بار چیک کرنی چاہیے استاد جی.
हाँ जी ये तो है उस्ताद जी, वो एक मशीन मिलती है ग्लूकोमीटर, उसमें वो प्रिक देते हैं उंगली से, वो स्ट्रिप मिलते हैं उसके, तो वो खरीद ले अपने लिए। चेक करवाता हूँ मैं, बस वो खरीदी इसलिए नहीं कि फिर रोजाना ही एक वो टेंशन ही रहेगी कि चेक करनी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये एक लेवल तो होता नहीं, तो बंदा परेशान ही रहता है फिर। हाँ बिल्कुल, तो ये कि दूसरे तीसरे दिन में चेक करवा ले तो ठीक है, वक्त तो नहीं गुजारता, दूसरे तीसरे दिन चेक करवा लेते हैं किसी मेडिकल स्टोर से। ठीक है ठीक है जी, आप सब हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक सबको सेहत कामना आजला मुस्तमर, आमीन, आप सब भी दुआओं की दरख्वास्त है, आमीन आमीन, अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم.